तो ये जो टोटल वेबिनार है ये चार चरण में है। कितने स्टेप्स में है? फोर स्टेप्स में है। क्या क्या इसमें हम लोग देखने वाले हैं आप समझो। पहली चीज़ हम लोग इस वेबिनार के अंदर देखने वाले हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। पहले पार्ट में ये देखेंगे लगभग 10 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट में या फिर 15 मिनट में क्या देखेंगे, नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर, क्या क्या पढ़ना चाहिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर। तो कुछ टॉपिक्स के नाम बताऊंगा और एक पूरी लिस्ट दे दूंगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, और गारंटी दूंगा कि जो इतनी चीज़ें को तैयार कर ली स्ट्रक्चर के अंदर, कभी भी कहीं पर भी जाएगा, इंटरव्यू क्रैक करके आएगा, इसकी गारंटी लूंगा मैं, ठीक है। इतना रिसर्च है मेरा, लगभग 6 साल का रिसर्च है मेरा। जितना टॉपिक्स मैं आपको आज बता दूंगा कितना पढ़ लेना, ठीक है, जितना उस जिसने उसको तैयार कर लिया, बिलीव करो कहीं पर भी जाएगा वो इंटरव्यू क्रैक करके आएगा। तो दूसरा चरण है टॉपिक्स, मतलब क्या क्या पढ़ना चाहिए। तीसरा चरण है जिसमें मैं बताऊंगा कि सैलरी कहाँ पर कितनी मिलती है, प्रॉक्स जो स्ट्रक्चर्स के अंदर सैलरी स्टैंडर्ड है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए। सीनियर स्ट्रक्चर्स इंजीनियर की बात नहीं करूंगा, ठीक है, डिजाइन हेड की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, ठीक है, आज के वेबिनार में। तो तीसरा जो चरण होगा इसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर कितने ढेर सारे लाइक कितनी सैलरी मिल सकती है और किस किस कंपनी में, पूरी कंपनी का लिस्ट दूंगा। जो भी स्ट्रक्चर्स के अंदर लगभग मैंने कोशिश किया है कि 100 कंपनियों के आसपास, इवन ज़्यादा ही होंगे शायद, ठीक है, कैलकुलेट नहीं किया, बट 100 कंपनी से ज़्यादा के लिस्ट आपको दे दूंगा। किस कंपनी में कितनी अप्रॉक्स सैलरी मिल सकती है उसकी पूरी लिस्ट दे दूंगा। तो ये रहा आपका तीसरा चरण, ठीक है। और चौथा जो कि लास्ट चरण है उसके लिए आपका माइक ऑन करने का ऑप्शन रहेगा, चैट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछे रहोगे उसका आंसर दूंगा, ठीक है। मतलब चौथा चरण होगा आपके क्वेश्चन आंसर का। अब इसमें ज़रूरत ये होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर ऊब जाएंगे, ठीक है, तो एक्चुअली वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। नोटिफिकेशन आ गया, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, जाओ मज़े करो, ठीक है, गर्लफ्रेंड खाना नहीं देगी, खाना आपको खुद से कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो और जो लड़कियां हैं जस्ट अपोजिट कर लेना, मतलब ये नहीं कि किसी एक को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये सच्चाई है कि आपको पेशेंस रख के अपने करियर के लिए एक्चुअली में देना चाहिए कम से कम आपको 1 घंटे मेरे तरफ से और आधे घंटे आपके क्वेश्चन से। लगभग 10 बजे से 11 बजे तक हम लोग करेंगे टॉपिक्स को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले चरण में व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डीप में समझेंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम क्या होता है ये सब। दूसरे चरण में क्या पढ़ना चाहिए पूरी लिस्ट दे दूंगा, और फिर से कर रहा हूँ प्रॉमिस कि जितना मैं बता दूंगा उसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तीसरे चरण में मैं बताने चल रहा हूँ कि हमें कौन कौन सी कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, किस किस कंपनी की जॉब ओपनिंग सर्च करनी चाहिए और वहाँ कितना पैसा मिल सकता है, क्योंकि सबसे मेन तो आपका पैसा ही है, तो कितना पैसा वहाँ पर अप्रॉक्स जॉब्स में क्या सैलरी मिल सकती है। और उसके बाद लास्ट चरण होगा आपके क्वेश्चन आंसर बाय चैट एज वेल एज अगर आप माइक ऑन करना होगा तो वहाँ पर थंब रखा हुआ है, बीच में माइक बता ऑन कराना टॉपिक खत्म होने के बाद, ठीक है। तो मुझे केवल 45 से 50 मिनट दे दो, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं, और क्या बोलते हैं, होप सो आज का संडे जो है आपका नॉलेजफुल संडे रहे और इस नॉलेज से आप अपने करियर को एक नया मुकाम दे सको, ठीक है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से बड़ी कोई प्रोफाइल सिविल में नहीं है, ये फिक्स है। स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना भी सबसे ज़्यादा टफ है, ये भी सच है, ठीक है। और स्ट्रक्चर इंजीनियर बहुत ही ज़्यादा पैसे अर्न कर सकता है, ये भी फिक्स है। बैकबोन स्ट्रांग करना पड़ेगा एंड पेशेंटली सिटिंग, यस बिल्कुल, बैठना तो पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें, ठीक है। इसीलिए आपको टॉपिक के नाम दे पाऊंगा, टॉपिक पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि टॉपिक के नाम ही काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मजे लेते हैं एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स का, कि फुल इंजॉय करते हैं उसको। तो इंजॉय करके ही पढ़ना, कोई बोर होके नहीं पढ़ना है। मैं बोर होके ना पढ़ाता हूँ ना ही क्या बोलते हैं वेबिनार भी मैं बोर होके नहीं ले सकता, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखेंगे आज कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और वही बोलूँगा कि बीच में माइक मत ऑन करना, माइक आपको ऑन करना रहेगा तो जस्ट मुझे 1 घंटा दे दो, उसके बाद आप माइक ऑन करो, ठीक है। जो बोलना है वो बोलो, मैसेज आप बीच में चाहे जितना कर सकते हो, ठीक है, मैसेज आप बीच में चाहे जितना कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे भैया इंट्रोडक्शन तो दे लें, मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन दे लेंगे। देखो ज्वाइन कई लोग हुए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि ज्वाइन करके भी सोए हुए हैं, ठीक है, तो उनका करियर अंधकार में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये फिक्स होता है।
इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, यह होता क्या है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो जब भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात आपके दिमाग में आती होगी तो आपके दिमाग में दो तीन क्वेश्चंस उठते होंगे, या फिर नहीं उठते तो उठने चाहिए। आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन उठना चाहिए, पहला क्वेश्चन उठना चाहिए व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है क्या, पहला आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरा आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट डू दे डू, क्या करते हैं वो, और उसके बाद व्हाट डू दे डिजाइन, और वो क्या डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तब जाके आपको एग्जैक्टली काम, क्योंकि सिविल के अंदर बहुत ढेर सारी कई कंपनी है तो उसमें कई ढेर सारी प्रोफाइल के लोग काम करते हैं। आप एक प्रोफाइल हो क्या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के, ठीक है, लेकिन आपके अलावा भी तो लोग वहां पर होंगे। तो देखो स्ट्रक्चर इंजीनियर किसको बनना चाहिए, अगर मैं सिंपल एक वर्ड में आंसर करूं तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को अगर एक वर्ड में करूं तो देखो लिखा हुआ इंजीनियर मतलब मैथमेटिक्स ऑफ डिजाइन। जिसको मैथमेटिक्स पसंद हो, जिसको डिफ्लेक्शन पसंद हो, जिसको सीयर पसंद हो, जिसको आरसीसी डिजाइन पसंद हो, उसके लिए होता है आपका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। सिंपल वर्ड का आंसर दे रहा हूँ, कोई फोर्स नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जाना है, जस्ट मैं आपको एकदम निचोड़ बता रहा हूँ कि जिसको मैथमेटिक्स टर्म में मजा आता है अगर वो जाएगा तो वो इंजॉय करेगा। जिसको भी विजन में या फिर व्यू में बहुत ज़्यादा मजा आता है वो BIM को चूज करो, बेस्ट BIM मॉड्यूलर की प्रोफाइल में अच्छा पैसा अर्न करेगा और वो भी अपनी करियर को, तो उसके लिए विजन और एस्थेटिक ऑफ डिजाइन लुक पे जिसको मजा आता हो, कुछ और कर दे कुछ और कर दे, तो आप BIM में करियर बनाओ, उसमें BIM मॉड्यूलर की करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे एक इमेडिएटर होता है जो कि लाइजन और बिटवीन पार्टीज को हैंडल करने वाला, ऐसे एक सेल्समैन होता है, तो सेल्समैन कौन हो सकता है जिसके पास आइडिया हो कि हमको सेल कैसे करना है किसी चीज़ को। तो आपको मतलब है सिर्फ ऊपर के दो प्रोफाइल से, एक है इंजीनियर की और एक है आर्किटेक्ट की। ठीक है, तो दो प्रोफाइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर से वही है कि अगर आपको विजन में इंटरेस्ट है तो आप उसमें चूज करो। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे व्हाट डू स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स करते क्या क्या है। कई लोगों को अभी इसके बारे में क्लियर ही नहीं है, मतलब मैं बोलूँगा कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उनको भी क्लियर नहीं है कि मेरी प्रोफाइल कौन कौन सी इंडस्ट्री में है। जैसे आप लोग सुनते होगे ना कि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी प्रोफाइल है सिविल इंजीनियरिंग, मैं बोलता हूँ सिविल में जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है वो भी बहुत बड़ी है। आपको दिखाता हूँ अभी सामने, आप खुद ही बोलो अरे सर हम लोग तो एक पार्ट पढ़ते हैं, यस हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में एक पार्ट पढ़ते हैं। क्या है, पहला है स्ट्रक्चर इंजीनियर एक कंसल्टेंट बन सकता है या फिर कंसल्टेंट के यहाँ जॉब कर सकता है। उसमें कंसल्टेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टेक अ डिजाइन फिट स्ट्रक्चर सिस्टम टू दैट एक्सपर्ट विटनेस एंड लॉस, मतलब एग्जैक्टली प्रॉपर उस कोई भी प्लान आ गया तो उसका प्रॉपर डिजाइन करके देना, सबमिट करना पूरा का पूरा एज अ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का पूरा काम होता है। दूसरा, केवल कंसल्टेंट नहीं बनता है स्ट्रक्चर इंजीनियर, उसको इंस्पेक्टर भी बनना पड़ता है। इंस्पेक्टर मतलब होता है जांच करने वाला, उसको साइट पर जाना नहीं है, साइट पर सिर्फ जांच करने जाना है। ठीक है, पहला काम क्या है, देखा आपने कि डिजाइन करके देना है, पहला काम है। ठीक है, कुछ भी प्लान आ गया डिजाइन करो दे दो, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर की पहली प्रोफाइल है। दूसरी प्रोफाइल है फील्ड वर्क जॉब साइट इंस्पेक्शन, मतलब आपने कॉलम में 12 mm के 6 बार दिए थे, एक्चुअली में यूज हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा, जाके आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा ना, क्योंकि किसी भी एक स्ट्रक्चर फर्म को जब स्ट्रक्चर डिजाइन बनने लगती है तो एक NOC देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, NOC, NOC का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब भैया इनको जो मैंने डिजाइन दिया है उसी के हिसाब से इन्होंने अपने घर को बनाया है, इसलिए मैं ऑथराइज कर सकता हूँ, मैं अप्रूव कर सकता हूँ कि भाई इन्होंने परफेक्ट घर बनाया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बोलोगे सर अच्छा ये सभी कंपनी को देना पड़ता है, यस अगर आप एक कल को अपना खुद का व्यापार करते हो, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बनते हो, आपको NOC देना पड़ेगा हर एक ब्रांडेड कंपनी के लिए। अब NOC देने के बाद आप भी फंस सकते हो। आप लोग सर क्यों, मान लो कि आपको आपने हमको NOC दे दिया, ठीक है, और आपने डिजाइन किया 16 mm के 4 बार और मैं जानबूझ के दे दिया 12 mm के 4 बार अपने साइट पर, ठीक है, स्ट्रक्चर फेल कर गया, NOC आपने दे रखा है, पकड़ा कौन जाएगा, आप, क्यों, क्योंकि आपने NOC दिया कैसे, आप चेक करने क्यों नहीं आए, तो इंस्पेक्शन भी आपका काम होता है। आप बोलोगे सर NOC न दूं तो, बिल्कुल अगर NOC नहीं दे रहे हो तो फिर आपका टेंशन नहीं है, जो साइट पर हो रहा है होने दो, क्योंकि आपने NOC दिया ही नहीं, ठीक है, तो इसीलिए बहुत कम कंपनियां NOC देती हैं। तो आपका दूसरा पहला काम हो गया डिजाइन करना, दूसरा काम हो गया साइट पर जाके जांच करना कंक्रीट का और स्टील का कि वो हुआ है कि नहीं, और तीसरा काम और है
कि अगर आपकी बिल्डिंग डिमोलिश हो रही है तो उसको भी देखना पड़ेगा, या फिर वो रिपेयर हो रही है स्ट्रक्चर रेट्रोफिट्स, तो उसमें क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं स्ट्रक्चरल टर्म में जिससे कि वो अच्छी हो जाए। तो ये भी आप ही की प्रोफाइल है, ठीक है। तो आपने तीन प्रोफाइल में देखा, एक है आपका डिजाइन करना, दूसरा है जांच करना, तीसरा है आपका इंस्पेक्शन करना। क्या करना है? इंस्पेक्शन करना भी आपका तीसरा काम है। तो ये हो गया आपका तीन काम। अब बात करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब आया आपका मेन पोर्शन, वो तो हमने आपको काम बता दिया। अ सिस्टम डिजाइन टू रजिस्ट और सपोर्ट लोडिंग एंड डिस्प्यूट एनर्जी। मेन काम आपका क्या है स्ट्रक्चर इंजीनियर का? सिस्टम डिजाइन, आप कुछ ऐसा डिजाइन कर दो टू रजिस्ट, जो रजिस्ट कर ले और सपोर्ट कर दे, टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी। एनर्जी तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, स्लैब का बीम पे, बीम का कॉलम पे, कॉलम का फुटिंग पे, फुटिंग का ग्रेविटी पे, यही तो ट्रांसफर करना ही तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम है। तो एग्जैक्ट डिफिनेशन अगर बात करोगे स्ट्रक्चर इंजीनियर का, अ सिस्टम डिजाइन टू रजिस्ट और सपोर्ट लोडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी। आप देखो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्यों बड़ा है, मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग तीन पार्ट, मतलब दो पार्ट में है, दो पार्ट के भी तीन तीन पार्ट है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का एक भाई है जिसका नाम है बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है, हाउसेस पे, स्काईस्पर्स पे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, एनीथिंग डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, कुछ भी इंसानों के रहने के लिए बना रहे हो वो सब कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है, जिसमें मैं काम करता हूँ। एक और बिल्ड स्ट्रक्चर्स में एक और पार्ट होता है नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। अब उसके अंदर कौन कौन है? ब्रिज है, टनल है, डैम्स है, ठीक है। तो ये भी एक अलग इंडस्ट्री है, ब्रिज का पूरा एक अलग ही ऑरा है, टनल का पूरा एक अलग ही ऑरा है, डैम्स का पूरा अलग ही ऑरा है। लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे वो पहले वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे, हाउसिंग डिजाइन, स्काईपर्स की, और कोई भी इंसान के रहने के लिए बनाने वाली जगह को, मतलब कुल मिला के बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपने समझा कि व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के कुछ नमूने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए कुछ बिल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी, कुछ ब्रिजेस देख रहे हैं, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के ब्रिजेस हैं, ये सब कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के ही पार्ट हैं, ये सब कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के ही पार्ट हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर एग्जैक्टली जो प्लान आता है आर्किटेक्ट की तरफ से उसको देखते हुए डिजाइन करता है, ठीक है। और डिजाइन में उसका मेन मोटो क्या रहता है? सेफ्टी। देखो यहाँ पर तीन टर्म्स होते हैं एक्चुअली में, एक इफिशियंसी होती है, एक इकोनॉमी होती है, एक होता है एलिगेंस। मतलब आपको इफिशियंसी का भी ध्यान देना है, इकोनॉमी का भी ध्यान देना है, और एलिगेंस का भी, मतलब व्यू का भी आपको ध्यान देना है कि व्यू भी आपका खराब नहीं होना चाहिए। हम लिविंग रूम के अंदर से बीम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो सिविल जो स्ट्रक्चर इंजीनियर की जो प्रोफाइल होती है, जहाँ लिखा है हु वर्क हियर, जो सबसे बीच वाला पार्ट है, वो होती है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल। क्यों? उसको इकोनॉमी भी देखना है, ज़्यादा स्टील न लग जाए, ठीक है। इफिशियंसी भी देखना है कि प्रॉपर सही तरीके से कॉलम से बीम पर लोड ट्रांसफर हो जाए। एलिगेंस भी देखना है कि व्यू भी खराब ना हो। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बेचारे के ऊपर है, ठीक है। बाकी आर्किटेक्ट डिजाइन कर दिया कुछ भी अच्छा से अच्छा बिल डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन वो टिकेगा कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा एक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर। अब बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, सर एग्री। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जो पहले काम होता था, पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे होता था कि आयरन से बन जाती थी चीज़ें। किससे बन जाती थी? आयरन से बन जाती थी। आज के टाइम में आयरन के जगह पे अब थोड़ा स्टील एडवांस हो रहा है ना, तो कंक्रीट से देख रहे हो इस तरीके से ब्रिजेस बनते हैं। आप लोग देखे होंगे आपके आसपास कंक्रीट के ब्रिजेस भी होंगे, स्टील के भी ब्रिजेस आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, पहले केवल आयरन का बन जाता था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रहा है। ऐसे ही आरसीसी में देखो, नीचे आरसीसी भी धीरे धीरे एडवांस हो रही है। इससे भी पहले की बात करूँ ना, तो एकदम अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते थे, जिसका थॉट आज के टाइम में लेना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मतलब अगर मैं 20th सेंचुरी की बात करूँ तो वो अलग ही पूरा का टाइम था, और वहाँ पर अलग अलग टाइप के डोम्स वगैरह बनाते थे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ डोम्स वगैरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते थे पहले के टर्म्स में। अब धीरे धीरे, ये तो 20th सेंचुरी में था ना, अब तो टाइम बदल रहा है ना। तो अब टाइम बदल रहा है तो क्या हो रहा है? अब मटेरियल भी बदल रहे हैं, डिजाइन भी बदल रही है। इसलिए जो टाइम के साथ नहीं बदलेगा वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएगा। और किसी भी प्रोफाइल में जब आप आउटडेटेड हो जाए तो आप समझ जाइए कि अब
एक्चुअली हम अपने स्कोप को खुद से कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं। पहले आप लोग क्या करते थे, पहले आप लोग आयरन से पूरा काम करते थे, लोहा होता था उसमें भी, स्टील नहीं होता था क्योंकि कार्बन परसेंटेज का आइडिया नहीं था हम लोग की, कार्बन डालने से स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा वो, इसलिए केवल लोहे से काम करते थे पहले, ठीक है। अब स्टील और कंक्रीट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर इस पे नहीं होने वाला है, ठीक है। अब फ्यूचर किस पे होगा, फ्यूचर होगा फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर पे, CNT पर होगा, UHPC पर रहेगा, मतलब हाई ग्रेड ऑफ अल्ट्रा कंक्रीट के उस पे रहेगा, मतलब अब एडवांस धीरे धीरे आपका के फ्यूचर टेक्नोलॉजी बढ़ता चला जाएगा। तो देखो वहाँ पर देखो तीन गोले बने हुए हैं न्यू टेक्नोलॉजी, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी में खुद को अपग्रेड करना है। स्टेड आता है तो ईटैब सीखेंगे, ईटैब आता है तो सेफ सीखेंगे, सेफ आता है तो SAP सीखेंगे, SAP आता है तो ANSYS सीखेंगे, मतलब रुकना नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट, न्यू सोसाइटी डिमांड्स, देखो कि सोसाइटी और क्या चाह रही है और नया क्या हमको करना है, ठीक है। न्यू डिफिनीशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है। अभी आज के टाइम में पहले जैसा घर बना दोगे बहुत सुंदर सा ना, तो वो अब लोग नहीं पसंद करेंगे। अब कैसे चाहिए लोगों को, अब लोगों को चाहिए बड़ी सी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े एग्जाम्पल आपने बुर्ज खलीफा का सुना होगा, और स्काइपर्स के सुने होंगे, ट्विंस टावर के सुने होंगे, ट्रम्प टावर के सुने होंगे, ढेर सारे, देखो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। तो अब न्यू टेक्नोलॉजी इस पे डिमांड करेगी, तो अगर आप इसके लिए तैयार हो रहे हो, इसके लिए स्टडी कर रहे हो, तो आप आउटडेटेड नहीं हो। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। अभी सब कुछ क्या है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, उसी के बारे में पूरा डिस्कशन चल रहा है, क्या पढ़ना है ये आगे आएगा, ठीक है। तो ये देखो कि अभी फ्यूचर जो है वो कुछ इस तरीके से आपके पूरे शहर, आपका पूरा देश इस तरह से कन्वर्ट होने वाला है। अगर आप इस फीचर्स के लिए तैयार रहोगे तो फिर डेफिनेटली आप रेडी हो। तो ये रहा एक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का पूरा छोटा सा एग्जाम्पल कि भैया क्या क्या चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर, क्या उनके काम होते हैं, ठीक है। होप यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट टॉपिक्स के नाम आपको बताऊँगा कि अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को मजबूत करना चाहते हो, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अपनी पकड़ बनाना चाहते हो, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में घर पे बैठ के, चाहे इस PPT के माध्यम से, PPT आपको मिल जाएगी, इस PPT के माध्यम से आप स्टडी करना, ठीक है। जैसे कि उसमें एक तो होता है स्टैटिक फोर्स, एक होता है डायनेमिक फोर्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में स्टडी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक फोर्स में क्या आ गया, आपका वॉल है, फ्लोर है, जो स्टैटिक है, जो रुका हुआ है। स्टैटिक एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है, स्टैटिक फोर्स, डायनेमिक फोर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। डायनेमिक मतलब कि फर्नीचर्स है, ठीक है, पीपल्स हैं, इनका मतलब कुल मिलाकर डेड लोड और लाइव लोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, डेड और लाइव लोड के बाद जो और कौन कौन से लोड के बारे में हमारी स्टडी होनी चाहिए, और लोड के बारे में स्टडी होनी चाहिए आपकी, ग्रेविटी के बारे में स्टडी होनी चाहिए आपकी, विंड के बारे में होनी चाहिए, स्नो के बारे में होनी चाहिए, अर्थक्वेक के बारे में आपकी पूरी डीप स्टडी चाहिए। मतलब ये नहीं कि अर्थक्वेक जस्ट जानते हो। अगर मैं अर्थक्वेक की बात करूँ तो अर्थक्वेक पूरा 1 घंटे का अलग सेशन है, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों ने अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो यूट्यूब पे भी मैंने डाले हुए हैं, तो 1 घंटे का पूरा टॉपिक है अर्थक्वेक। मैन मेड जो लोड्स आ सकते हैं उन लोड्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और नीचे जो है वो है डेड लोड और लाइव लोड, जिसके बारे में अभी स्टैटिक और डायनेमिक की बात कर रहे थे हम। तो स्टैटिक में क्या था, वॉल था, फ्लोर था, डायनेमिक में वही पीपल और ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब डायनेमिक है, ठीक है। तो आपको अगर इतने लोड्स के फुल नॉलेज है तो आप एक्चुअली में परफेक्ट हो इस काम को करने के लिए, ठीक है। तो बस करना क्या है, इन लोड्स के बारे में पूरा का पूरा एक 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 घंटा लगा के कंप्लीट कर लो। अब कॉमन स्ट्रक्चर मटेरियल की अगर मैं बात करूं, तो पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड होना चाहते हो, खुद को वर्ल्ड वाइड बनाना चाहते हो, तो टिम्बर, मेजनरी, कंक्रीट, स्टील, कंपोजिट, इन 5 टाइप ऑफ मटेरियल्स का फुल स्टडी करना पड़ेगा आपको। आप बोलोगे नहीं सर, मुझे सिर्फ इंडिया में काम करना है और सिर्फ एक इंडस्ट्री में करना है, तो आप अभी जो आज का हमारा सेशन है वो कंक्रीट बेस्ड है। किसके बेस पे है, कंक्रीट बेस्ड है। स्टील का कभी टाइम लगा तो जरूर लूंगा, ठीक है, क्योंकि स्टील में बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। कंपोजिट अलग है, टिम्बर अलग है। फॉरेन वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर टिम्बर्स में बहुत ज्यादा काम आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट का, लेकिन बता दिया कि ये 5 मटेरियल हैं जिनसे आप स्ट्रक्चर्स का काम कर सकते हो, ठीक है। अगर इन 5ों की स्टडी कर लिया तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब जब इन मटेरियल्स को पढ़ लिया, तो इन मटेरियल में क्या पढ़ना है, मतलब ठीक है कंक्रीट सर आपने बोला हम पढ़ लेंगे, स्टील आपने बोला हम पढ़ लेंगे, क्या पढ़ें उसके अंदर सर।
तो उसके अंदर दोस्त आप बस इतने टॉपिक्स तैयार कर लेना, किसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों, डेंसिटी किसकी कितनी होती है, हार्डनेस किसकी कितनी होती है, डक्टिलिटी किसकी कितनी होती है, इलास्टिसिटी किसकी कितनी होती है और टफनेस किसकी कितनी होती है। आप बोलो सर कंक्रीट का अगर केवल कैरियर बनाना है तो कंक्रीट की ये पांचों छह प्रॉपर्टीज पढ़ डालो। आप बोलोगे चलो सर ठीक है अभी हम एक एक करके पढ़ डालेंगे। बिल्कुल आप स्ट्रेंथ के बारे में पूरा पढ़ डालिए, ठीक है। स्ट्रेंथ में क्या पढ़ना है आपको, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड अ पुलिंग फोर्स, मतलब जो भी फोर्स है उसको झेलने की कैपेसिटी जो रखे वही तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है। स्टील का काम क्या होता है, स्टील इज गुड एट बट कंक्रीट परफॉर्म वेरी पुअरली। कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, इसीलिए तो बेचारा क्या परेशान रहता है, वेट करता है कि स्टील लग जाए तब मैं मजबूती पकड़ूंगा। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात करूं तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड अ पुशिंग फोर्सेस, जिसके अंदर वुड कंक्रीट स्टील मेजनरी ये सब कुछ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कंक्रीट की कैपेसिटी होती है। अब बोलोगे सर ओके ठीक है अभी कंक्रीट का स्ट्रेंथ चलिए हम पढ़ लिए, टेंसाइल हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, और क्या हमें कंक्रीट के बारे में पता चलना चाहिए हमें, टेंसिटी के बारे में, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, ठीक है। तो अगर कुछ लोग थक गए होंगे तो थोड़ा पेशेंस और रख लेना क्योंकि और इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाला है, मास, ठीक है। मतलब ये डेंसिटी के बारे में बात करो तो डेंसिटी तो लगभग सबको पता होगा, आरसीसी की डेंसिटी कितनी होती है। अगर नहीं पता है तो आप बहुत गलत किए हो, ठीक है। आपको डेफिनेटली डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि किस मटेरियल का कितना डेंसिटी होता है, पता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि अभी आरसीसी की बात करो, पीसीसी की बात करो, अब आरसीसी से रिलेटेड मतलब जो जो स्टील आ गया उससे रिलेटेड, तो स्टील का भी आपको डेंसिटी पता होना चाहिए किसका कितना डेंसिटी होता है। अगर आप कल को आपका मन कर रहा है कि मैं दुबई में जाके काम करूंगा सर, तो आप दूसरे यूनिट्स भी उनके अमेरिकन स्टैंडर्ड्स भी याद करके रखो। हार्डनेस, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर द शार्प लोड, ठीक। क्या है हार्डनेस, क्या होती है एबिलिटी, मतलब ताकत झेलने की, ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर द शार्प लोड, ठीक है। रजिस्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी हो उसको बोलते हैं हार्डनेस। रिलेट्स टू द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, डिमांड, डायमंड इज अ वेरी हार्ड सस्टेंड, इफ वी विल्ड आउट ऑफ द डायमंड वी कुड बी श्योर दैट फ्यू थिंग्स वुड स्ट्रेच ऑन इट, मतलब वो बहुत हार्ड होता है। तो इस तरीके के आपके अंदर हार्डनेस होनी चाहिए आपके मटेरियल के अंदर। तो जिस भी मटेरियल, कौन सा मटेरियल हार्डनेस के लिए अच्छा परफॉर्म करता है वो आपको पता होना चाहिए। ये वर्ड डक्टिलिटी आरसीसी से बहुत कोरिलेट करता है क्योंकि आप सबको अपने पढ़ा होगा डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टाइल के लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, मैं आपसे थोड़ा सा मेहनत आपका चाहूंगा, डक्टिलिटी के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं, स्ट्रक्चर डक्टाइल हो उसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसका कितना नॉलेज है। सभी लोग बताओ कमेंट करके कि डक्टिलिटी के लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चर्स, बोलते हैं ना डक्टाइल स्ट्रक्चर्स बनाना है, डक्टाइल डिटेलिंग करना है, तो कौन सा आईएस कोड इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। सभी लोग अपने चैट बॉक्स में डालो, ठीक है। विजय रावत ने डाला है, वेरी गुड, ओके ठीक है। प्रकाश ने डाला है, प्रकाश आज मुझे ना कॉल कर लेना 12 बजे, आज अपना पॉडकास्ट है प्रकाश, याद करके हाँ मैं तुमको कॉल उसे करने वाला हूँ, बट भूल गया तो तुम कर लेना, इवनिंग में करेंगे पॉडकास्ट बट आज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी के बारे में, किसके बारे में पता होना चाहिए, इलास्टिसिटी के बारे में। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप में जिसके आने की ताकत हो वही इलास्टिसिटी वाला मटेरियल है, तो आपको इलास्टिसिटी पता होना चाहिए। आपको टफनेस के बारे में पता होना चाहिए, वेरी गुड मिथुन, जिसको भी पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसको भाई जानना चाहिए, ठीक है। ये तो रहे कुछ टॉपिक्स जिनको मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पर लिख लिया कि चलो इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको दे दूंगा, बट अभी और भी इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं लिख भी नहीं पाया क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। हाँ हाँ सब है इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्रीट, कंक्रीट के बारे में कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मटेरियल, वाटर सीमेंट स्मॉल एग्रीगेट एंड लार्ज एग्रीगेट, सबका जो मिक्सअप होता है वो कंक्रीट होता है। कंक्रीट के एडवांटेज बताने की जरूरत नहीं है, वेरी वर्सेटाइल, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फायर रेजिस्टेंस होता है, मेनी डिजर्व शेप एंड साइज, जैसा चाहो वैसा कंक्रीट को मोल्ड कर सकते हो, ये इसका क्या बोलते हैं इसके अंदर ये फीचर होता है। इसी एक एग्जैक्ट मुझे कोड नहीं पता डिटेलिंग वाला आपका,
ठीक है, एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है, वेरी वर्सिटाइल, और सबसे बड़ी चीज़ कि कैसा भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है। बट जिसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, बुराई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो भाई इसके अंदर डिसएडवांटेज भी है, क्या है, लॉन्ग क्यूरिंग टाइम, क्यूरिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेता है ये, ठीक है। आप लोग देखते होंगे अलग अलग मेंबर्स के लिए, लो टेंशन इन स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल नहीं होता है, फेल इन सीयर अनलेस रेनफोर्स, ठीक है, सीयर में फेल हो जाता है, फेयरली हैवी मटेरियल टू वर्क विथ। तो मतलब हर किसी के अंदर एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है, चाहे कंक्रीट की बात करो चाहे स्टील की बात करो, सब में ही एडवांटेज है, सब में ही डिसएडवांटेज है। तो अगर मैं बात करूँ कि अच्छा ठीक है, ये तो कंक्रीट में सर आपने बता दिया क्या बोलते हैं एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज स्टील में क्या होगा, तो स्टील में भाई हाई टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों ही अच्छे होते हैं। मेनी वेराइटी डिपेंड ऑन नीड, मतलब कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, गैल्वेनाइज स्टील है, स्टील में बहुत वेरायटी है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर और नोट किया है, इलास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल है, वो मेनी शेप्स उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब जैसा चाहो वैसा शेप उसके अंदर बना सकते हो। तो एक तरीके से स्टील के एडवांटेज बहुत हैं, ठीक है, बट डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। जिस चीज़ का एडवांटेज उस चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है। तो अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूँ तो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटीज कॉम्पैक्शन, ठीक है, सस्टेंस टू फायर, सबसे मेन प्रॉब्लम है फायर रस्ट और इम्प्योरिटीज की, इम्प्योरिटीज उसके अंदर मिक्स कर दिया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, फायर का इशू हो जाता है, रस्ट जिसको आप लोग कोरोजन वगैरह के नाम से आते हो, तो ये उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूँ कि पुट देम टुगेदर, मतलब दोनों को साथ में अगर जोड़ दिया जाए, तो मतलब स्टील को और कंक्रीट को दोनों में साथ में जोड़ दिया तो क्या फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। क्यों, इसको हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट के नाम से जानते हैं, कंक्रीट विथ स्टील रेनफोर्स्ड, तो इसमें क्या फायदा होगा, कंक्रीट हैंडल्स कंप्रेशन और स्टील टेक टेंशन, इसीलिए तो क्या करते हैं रेनफोर्समेंट, इसीलिए तो आया ना कि स्टील भी जोड़ देंगे और कंक्रीट भी जोड़ देंगे। कैन हैंडल नियरली 4 times द लोडिंग दैट कंक्रीट अलोन कैन हैंडल, ठीक है, मतलब अगर 1000 mm का डेप्थ का रिक्वायर्ड होता केवल कंक्रीट को, तो वो डेप्थ कन्वर्ट हो सकता है 250 में, 250 mm की डेप्थ सफिशियंट हो जाएगी, इतना इसके अंदर ताकत हो जाता है अगर स्टील हेड हो जाता है कंक्रीट में। तो अब आप समझो कि कंक्रीट के फायदा कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका फायदा है, इसीलिए तो कंपोजिट का वर्ड आया ना बहुत जल्दी, मोर एक्सपेंसिव मटेरियल, भाई दोनों मिलते हैं तो भाई महंगा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब टाइम बदल रहा है, अब टाइम कैसे आ रहा है, धीरे धीरे अब धीरे धीरे लोग नए नए मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं, तो उसमें से कंपोजिट मटेरियल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आपने पीछे देखा भी होगा, अभी मैंने दिखा रहा था स्लाइड में, FRP फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, अब इसका टाइम आ रहा है, CFRP कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, इसका टाइम आ रहा है। तो अब इससे ज़्यादातर मेंबर्स धीरे धीरे बनने वाले हैं मार्केट के अंदर, अभी कॉस्टली है, धीरे धीरे ये हो जाएगा। ऐसे कैटेगरीज ऑफ बूट, कैटेगरीज ऑफ ग्लास, अभी लोग ग्लासेस में भी अलग, ग्लासेस में भी स्ट्रेंथ आने लगा है। तो ये सब नए मटेरियल्स अभी आगे अपने स्ट्रक्चर्स में अगर कैरियर आपका रहा तो आप ये नए नए मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हो और देखने वाले हो, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ही वो टाइम आएगा जब आप इसके बारे में देखोगे। सो नाउ वी नीड व्हाट मटेरियल विल सूट एन अवर नीड्स, अभी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो और किस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने चाहिए, कुछ इमेजेस के माध्यम से आपको समझाता हूँ। अभी एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा हम लोग रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं या फिर स्क्वायर बना रहे हैं, इसी का सबसे ज़्यादा डिमांड है और यही हम लोग कर रहे हैं। बट ट्रेंगुलर भी बना सकते हो, ट्रस भी बना सकते हो, जियोडेटिक डोम भी बना सकते हो, डेफिनेटली कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बनते भी हैं। लेकिन कैसे होता है कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इजली बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू ट्रस और जियोडेटिक डोम्स, ठीक है। अब क्या इसका एडवांटेज क्या है भाई रेक्टेंगुलर का, तो पहला एडवांटेज तो यही है कि प्रोफिशियंट इन रेजिस्टिंग वर्टिकल लोड, ऊपर से आने वाला लोड बहुत आराम से उठा लेता है, नो लेटरल सपोर्ट्स, ठीक है, कोई भी हॉरिजॉन्टली सपोर्ट देने की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका घर, आपने कभी सोचा आपका घर डोम जैसा क्यों नहीं है, कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर आपका जो खर्च होता वो डेफिनेटली बढ़ जाता, ठीक है। आपने कभी सोचा कि हम ट्रेंगुलर शेप में कोई चीज़ क्यों नहीं बनाते या फिर कुछ ही चीज़ें क्यों बनाते हैं, तो ट्रेंगुलर के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज ये है कि वाइड बेस, नीचे आपका जगह ज़्यादा ले लेगा, ऊपर कम देगा आपको बेनिफिट, तो क्या फ़ायदा है। एबल टू विथस्टैंड लेटरल एंड वर्टिकल लोडिंग, मेनी ट्रेंगुलर शेप्स अवेलेबल, ठीक है। तो
कोशिश करते हैं कि रेक्टेंगुलर रहे, जिससे आप ऊपर भी उतना ही यूज कर पाओ और नीचे भी उतना ही यूज कर पाओ। ठीक है, ट्रेंगुलर हो गया तो नीचे आपका जगह ज़्यादा ले लेगा, ऊपर आपको यूज कम करने को देगा। ठीक है, तो ये रहा रेक्टेंगुलर के बारे में, तो रेक्टेंगुलर फिर से आ गया। रेक्टेंगुलर में ब्रेसिंग्स अगर यूज कर देते हो, क्या ब्रेसिंग्स, तो ब्रेसिंग्स बहुत ही अच्छा होता है आपके सपोर्ट्स के लिए। ठीक है, आपके सपोर्ट्स के लिए। इसके अलावा आपने देखे होंगे स्टील, आई तो हो गया आरसीसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टील की अगर बात करो तो स्टील में आपने देखा होगा ट्रस, वैसे तो ट्रस में अलग अलग ट्रस है, किंग ट्रस है, क्वीन ट्रस है, उसके बाद क्या बोलते हैं हाउ ट्रस है, वाइट ट्रस है। तो ये जो ट्रस है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल, हमेशा जो ट्रस बनते हैं इसी के कॉम्बिनेशन से ही पूरे के पूरे ट्रस बनते हैं, या तो स्क्वायर रहेगा या फिर ट्रायंगल या फिर दोनों मिक्स करके रहेगा। ठीक है, तो अगर बात करूँ तो ये ट्रस काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल और लेटरल दोनों सपोर्ट इनको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन लोड अच्छे से बियर कर लेते हैं, इसीलिए आप लोग देखते होंगे ब्रिजेस वगैरह में ट्रस काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये भी ये है स्टील स्ट्रक्चर्स का पार्ट, अगर आप वहाँ पर करते हो तो डेफिनेटली इट इज़ यूजफुल फॉर यू। अब ट्रस के बाद एक और स्ट्रक्चर आता है डोम, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो चलिए अब डोम के बारे में थोड़ा डिस्कस करके, ठीक है, इसके बारे में तो पता है आपको, डोम अच्छा भी है। ठीक है, और इकोनॉमी बेस से देखा जाए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। FEM मेथड से इसकी एनालिसिस करना आसान होता है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड से। वेरी स्ट्रॉन्ग शेप, गेट स्ट्रॉन्ग एज डोम साइज इंक्रीज, परफेक्ट लोड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर लोड हो जाता है, नो नीड ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक, ग्रेट एरोडेटिक परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है। आप लोग सर ये क्या क्या चीज़ें हैं भाई, ये सारी चीज़ें होती है, मतलब ये अगर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो तो इसमें डोम भी आ गया, ट्रस भी आ गया, रेक्टेंगुलर भी आ गया, ट्रेंगुलर भी आ गया, इतने शेप्स के जनरली हम लोग बनाते हैं। अभी मैंने रेक्टेंगुलर के अंदर में नहीं गया, रेक्टेंगुलर के अंदर वाई टाइप बिल्डिंग होती है, एल टाइप बिल्डिंग होती है, एक्स टाइप होती है, यू टाइप होती है, मतलब शेप पूरा का पूरा अलग है। अब बात कर लेते हैं जो आपको एग्जैक्टली आप अभी डेली यूज करते हो, क्या यूज करते हो आप, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। एक तो बीम यूज करते हो, आप बोलोगे यस सर। अगर आपने स्टील यूज किया तो गर्डर भी यूज करते हो, यस। कॉलम भी यूज करते हो, यस। फाउंडेशन भी यूज करते हो, यस। तो ये हैं स्ट्रक्चर्स के मेन कंपोनेंट, तो जिनका हमें जिनका हमारे लाइफ में काफ़ी रोल होता है। अगर मैं इसको गर्डर को अगर आरसीसी में कन्वर्ट करूँ तो सेकेंडरी बीम को अगर बोलोगे तो गर्डर बोल सकते हो, क्योंकि दैट इज वर्क लाइक अ गर्डर। ठीक है, तो अभी कैसे एक्चुअली में क्या होता है, ये लोड को ट्रांसफर करते हैं। फ्लोर का लोड किस पर आता है, फ्लोर का लोड आता है बीम पर, बीम का लोड किस पे आता है, गर्डर पे, अगर गर्डर लगा है तो, नहीं लगा तो छोड़ दो। ठीक है, तो कहाँ आएगा बीम का लोड, डायरेक्ट कॉलम पर। कॉलम का लोड कहाँ जाता है, फाउंडेशन पर, और फाउंडेशन का लोड कहाँ जाता है, सॉइल पर। ठीक है, तो सब अपना अपना लोड एक दूसरे पर ट्रांसफर करते चले जाते हैं। ठीक है, तो मेन टर्म्स क्या आता है, मेन टर्म्स आता है बेचारा फाउंडेशन, क्योंकि वही लास्ट पे ट्रांसफर करता है सॉइल पर। अब सॉइल को तो आप डिजाइन कर नहीं सकते हो, बट आप फाउंडेशन को जरूर डिजाइन कर सकते हो। तो फाउंडेशन भी अलग अलग टाइप्स है फाउंडेशन के, कौन कौन से, एक है सैलो फाउंडेशन है, एक है डीप फाउंडेशन है। क्या है, एक सैलो है और एक डीप है। अब अगर सैलो की बात करो तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सैलो के बारे में, एक होता है स्प्रेड फुटिंग, एक होता है स्लैब ऑन ग्रेट। ठीक है, फिर जिसको आप मैट फाउंडेशन के नाम से जानते हो। डीप में जो जनरली होता है वो पाइल फाउंडेशन क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, पाइल फाउंडेशन जो होता है आपके डीप में ज़्यादा से ज़्यादा यूज में आता है। तो ये थे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के कुछ टर्म्स जिनको आपको पढ़ना चाहिए, बट कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ कि एग्जैक्टली घर पे बैठ के बस उतने पढ़ लेना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके जो फुटिंग वगैरह के लोड ट्रांसफर होते हैं। अब चलते हैं कि क्या क्या घर पे बैठ के आपको, अगर तैयारी कर रहे हो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की, तो क्या क्या बैठ के आपको पढ़ना चाहिए घर पे। ठीक है, अवेयरनेस हो गया स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग क्या होता है, ये भी हो गया, कुछ मैथमेटिक्स टर्म्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियर्स। ठीक है, ऑटोकैड आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, स्टेट प्रो का आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ईटेप्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आरसीडीसी का होना चाहिए, सेफ का होना चाहिए, मैनुअल डिजाइनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद एक्सेल का अच्छा नॉलेज चाहिए। अगर आपने इतने सॉफ्टवेयर्स को अच्छे से पढ़ रखा है तो बिलीव करिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका मजबूत हो चुका है। अब बोलोगे सर मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, इसको इतना पढ़ना चाहिए कि कोई आपको बोले स्टेट प्रो में प्रोजेक्ट सबमिट कर पाओगे, यस सर,
ऑटोकैड में प्रोजेक्ट सबमिट कर पाओगे? यस सर। तो अगर आप प्रोजेक्ट सबमिट करने के लेवल पहुंच गए हो तो बस उतना आपका सफिशियंट है। मैंने अपने लगभग 6 साल के रिसर्च से कुछ लगभग 60 टॉपिक्स निकाले हैं जिनके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो किसी भी स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू में आप आराम से क्रैक कर सकते हो। कई बच्चे इसमें अपने गुरुकुल के हैं तो गुरुकुल में भी हम लोग इसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप गुरुकुल में जाओ, आप घर पे बैठ के भी एक एक टॉपिक्स पे अगर तैयारी कर लेते हो तो आपका कोई भी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं निचोड़। निचोड़ क्या है? पहली चीज़ CV प्रिपरेशन। आप बोलोगे सर ये टॉपिक में कहाँ से आ गया? भाई ये टॉपिक में है, क्यों? क्योंकि किस कंपनी में कैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें CV बनाना पड़ता है। तो CV बनाने के लिए आपको ATS फ्रेंडली CV। आप बोलोगे सर ATS क्या होता है? ATS एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आपकी CV शॉर्टलिस्ट की जाती है। तो जो आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट है और आपके CV दोनों मैच करने चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आपकी CV शॉर्टलिस्ट होगी। दूसरा, आपको ऑटोकैड इंट्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, सिंपल ऑटोकैड की ड्राइंग्स जो होती हैं वो बनानी आनी चाहिए। प्लान, सेक्शन, एलिवेशन बनाना आना चाहिए। समेशन ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स, कॉलम की डिटेलिंग, बीम की डिटेलिंग, फुटिंग की डिटेलिंग, ये करना आना चाहिए। रेरा के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्डिंग बाय लॉस पता होने चाहिए। चेकलिस्ट फॉर वर्किंग ड्राइंग पता होना चाहिए। प्लान सेक्शन के एग्जैक्टली प्लान सेक्शन सही से बना है कि नहीं उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। बीम कॉलम पोजीशंस का फुल नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पर कॉलम रखना है, कहाँ पर बीम रखना है। ये टॉपिक्स हैं जिनको आप घर पे बैठ के एक एक करके पढ़ डालोगे अगर, तो आप किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ फिर से। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं है, ये तो एक स्लाइड है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए फुटिंग के हर एक टाइप के बारे में। स्लैब के हर एक टाइप, मतलब 1 बेस स्लैब, 2 बेस स्लैब, फ्लैट स्लैब के चारों टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। रिब स्लैब के बारे में, वेफल स्लैब के बारे में, मतलब स्लैब टाइप मतलब स्लैब की पूरी, क्या बोलते हैं, दादा दादा के आगे परदादा की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सपोर्ट टाइप, हर तरह के सपोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। डोर विंडो के स्टैंडर्ड साइजेस का नॉलेज होना चाहिए। अब स्टैट प्रो अगर सीखा हुआ है तो एनालिसिस और डिज़ाइन इन स्टैट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एडवांस स्ट्रक्चर्स जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसके अंदर सिस्मिक लगा हो, उनको लगाना आना चाहिए। विंड कैसे कैलकुलेट करते हैं मैनुअली आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं विंड में VV, K1, K2, K3 क्या होता है, K1 क्या होता है, K2 के, मतलब कोई बिल्डिंग मैनुअली बिल गई उसकी विंड एनालिसिस कर सको। सीयर वॉल की डिज़ाइनिंग और उसकी पूरी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आपका फॉर CV भी सॉफ्टवेयर, ATS फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। ATS फ्रेंडली मतलब एक अलग टॉपिक है, बताता हूँ इसके बारे में। तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। बिल्ड एनालिसिस के बारे में, सीयर वॉल स्टेट प्रो में डिज़ाइन करना आना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी, सीयर वॉल के जितने टाइप्स हैं उनकी कितनी टाइप्स होने चाहिए, सीयर वॉल की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसके बेसिक्स, अगर आप स्टील में इंटरेस्टेड हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऑल IS कोड पता होने चाहिए आपको, डेड लोड के, लाइव लोड के, विंड लोड के, सिस्मिक के, डक्टाइल के, RCC के, सब आपको क्या बोलते हैं पता है, बस उनको नोट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बेसिक थंब रूल फॉर कॉलम एंड बीम्स पोजीशंस। ठीक है, बेसिक थंब रूल मतलब कहाँ पर कॉलम रखना चाहिए, कहाँ पर बीम रखना चाहिए, इसका थंब रूल आपका होता है, तो थंब रूल का आपको नॉलेज होना चाहिए, मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। सीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। डिफ्लेक्शन निकालना आपको आना चाहिए। रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करना आना चाहिए। डक्टाइल डिटेलिंग करना आना चाहिए। इतना कर दिया तो अब आप ये समझिए कि आप इंटरव्यू में जाओगे तो परफॉर्म करोगे। अब ये टॉपिक्स अपने आप में एक एक हफ्ते लेने वाले टॉपिक्स हैं, ये नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। अगर आप सीयर फोर्स पढ़ रहे हो तो एक हफ्ते आपको लगेंगे पूरा क्लियर करने में। कुछ और टॉपिक्स हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। बस इतना पढ़ लिया, आप जॉब पक्की है। सेंटर लाइन निकालना आना चाहिए। बेसिक इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट करना कैसे है, स्टैट एडिटर को ऐसे रन करते हैं, स्टैट एडिटर के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग को सबमिट कैसे करते हैं, बेसिक्स ETABS में कैसे ग्रिड बनाएंगे, उसके बाद हाई राइज बिल्डिंग है तो उसकी एनालिसिस और डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसके डाटा को RCDC में कैसे इंपोर्ट करेंगे, सेस्मिक एनालिसिस, विंड एनालिसिस ETABS में कैसे करेंगे, डायनमिक एनालिसिस कैसे, मतलब डायनमिक में मतलब रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस भी पता होना चाहिए आपको, टाइम हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, P delta भी पता होना चाहिए, पुश ओवर भी पता होना चाहिए, और इन सब से भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनमिक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए अगर आप किसी MNC का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो। ठीक है,
अगर डायनेमिक के सारे कॉन्सेप्ट, अब सारे कॉन्सेप्ट क्या बोलोगे सर, उसका होता है CSSD कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि क्या सी मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, इस मतलब होता है उसका लाइक स्टिफनेस पता होना चाहिए, उसके स्ट्रेंथ की पूरी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, उसके कंप्रेशन की पूरी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है स्टील स्ट्रक्चर्स फ्रेम डिज़ाइन इन ई डेप्स, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, नहीं इंटरेस्टेड हो तो छोड़ सकते हो। मैनुअल बीम कॉलम फुटिंग स्लैब की पूरी डिज़ाइन आपको पता होनी चाहिए। स्टेयर केस की पूरी डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए। बैफल स्लैब की पूरी डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए। मैट फुटिंग्स इन सेफ, मैट की फुटिंग की डिज़ाइन कैसे करोगे सेफ में, ये पता होना चाहिए। आइसोलेटेड फुटिंग की डिज़ाइन, पाइल फुटिंग की डिज़ाइन, सब सेफ में करो, ठीक है। स्लैब की डिज़ाइन कैसे करते हैं सेफ में, ये पता होना चाहिए। उसके बाद डिज़ाइन ऑल मेंबर लाइक बीम कॉलम फुटिंग स्लैब स्टेयर केस RCDC में कैसे करते हो, कुछ कंपनियां पूछती हैं तो उनके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। फ्लैट स्लैब की डिज़ाइन कैसे करते हैं आज के टाइम में पूछ रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लोड एंड देयर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जैसे कि डेड लोड है, लाइव लोड है, विंड लोड है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, IS कोड के नेम, कुछ डिफिनीशंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकल इंटरव्यू बैठते हो, कोई पूछ लेगा हनीकॉम क्या होता है, कोई पूछ लेगा क्रीप क्या होता है, कोई पूछ लेगा शेयर फोर्स क्या होता है, कोई पूछ लेगा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो सिंपल डिफिनीशंस आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ की, ठीक है। अगर डिफिनीशन पता है तो आप एग्जैक्टली बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों के बारे में। जितने टॉपिक दे रहा हूँ ये पूरे रिसर्च किए हुए टॉपिक है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिनको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। रेनफोर्स डिटेलिंग्स के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए, लाइक अगर कोई स्लैब है तो स्लैब में ओपनिंग कटा हुआ है तो वहाँ रेनफोर्समेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, पेपर पेन से या फिर ऑटोकैड से कहीं से भी। संकीर्ण स्लैब के लिए कैसे रेनफोर्समेंट देंगे, पेडिस्टियल कैसे प्रोवाइड करते हैं फुटिंग, उसका रेनफोर्समेंट कैसे देंगे। अब कई कंपनियां आपको पता होना चाहिए मार्केट के अंदर एक्सेल पे भी डिज़ाइन करती हैं, और कई कंपनियां एक्सेल पे क्रॉस चेक करती हैं डाटा को। कई लोगों ने सॉफ्टवेयर चलाया होगा तो ऊपर रेनफोर्समेंट दे दिया 16 mm के 4 बार, नीचे दिया 12 mm के 4 बार, अब एक्यूरेटली क्या लेना चाहिए, तो उसके लिए कई लोग स्टेयर एक्सेल सीट भी यूज करते हैं। तो बीम कॉलम फुटिंग स्लैब स्टेयर केस का एक्सेल सीट डिज़ाइन भी आपको पता होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो मेरे से ले सकते हो, मेरे पास है, ठीक है, आप ले सकते हो। और जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए आप जस्ट क्या बोलते हैं, एक नंबर दूंगा, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, टीम का नंबर रहेगा, वो आपको सब शेयर कर देंगे, ग्रुप में आ जाएगा। हाई राइज स्ट्रक्चर्स क्या होता है, किसको हाई राइज स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और बेसिक टिप्स फॉर बिल्डिंग डिजाइनिंग, मतलब फुटिंग के बारे में और सबके बारे में बेसिक टिप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये थे कुछ टॉपिक्स जिसको अगर आपने छोड़ दिया तो बिलीव करिए आप एमएनसीज के इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाओगे, और पढ़ लिया तो एमएनसीज के इंटरव्यू आराम से क्रैक हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और चाहिए जो कि टॉपिक से हट के है, ठीक है, अगर उसकी प्रैक्टिस है तो और अच्छी बात है। जैसे कि ऑटो कैड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैट प्रो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, ऑटो कैड स्टैट प्रो ईटीएफ्स RCDC सेफ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ, हर संडे को अपने ही इसी ऐप पर रहेगा, तो आप लोग को बताऊँगा, ज्वाइन करते जाना। एक बार ऑटो कैड का टेस्ट होगा, एक बार स्टैट प्रो का होगा, एक बार ईटीएफ का, एक बार सेफ का, एक बार RCDC का, तो कोई भी उसको अप्लाई करके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। HR के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन होनी चाहिए आपके पास, HR के जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनकी लिस्ट बना लो, लगभग 70-80 क्वेश्चंस बनते हैं HR के, ठीक है। अब आपके पास YouTube है, चाहो तो आप रिसर्च कर लो, ठीक है, कहीं से भी बस HR के क्वेश्चंस तैयार कर लो। ऑल स्ट्रक्चर प्रोफाइल नॉलेज, मतलब ड्राफ्टिंग में क्या क्या काम करना पड़ता है, स्ट्रक्चर्स, अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर इंजीनियर की क्या प्रोफाइल होती है, उसके काम क्या क्या होते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की थोड़ी बहुत हिस्ट्री कि स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम क्या क्या होता है, स्टील ग्रेड सीमेंट ग्रेड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मैनुअल विंड मैनुअल सिस्मिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इस्टीमेशन और BBS का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी अमेरिकन कोड कंपनी में जा रहे हो, मतलब MNC है जो कि अमेरिका का प्रोजेक्ट लेती है या फिर ब्रिटिश कोड्स उन लोग यूज करते हैं, तो ब्रिटिश कोड आपको पढ़ना पड़ेगा। एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डेंसिटी मिक्स प्रोपोर्शन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इनको ऐसे जस्ट लिस्ट बना के अपने पेपर पर, एक एक लिस्ट पर एक एक हफ्ता, एक एक दिन, दो दो दिन लगा डालो और अपने सारे टॉपिक्स ऐसे ख़त्म कर लो, आप जाओगे इंटरव्यू में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी है इसके बाहर से कोई कुछ नहीं पूछ पाएगा, ठीक है। 6 साल का पूरा आदम जो निचोड़ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर इन सॉफ्टवेयर की बेसिक हिस्ट्री, लाइक ऑटोकैड है तो थोड़ा डीप जानो ना, ऑटोकैड कब आया, ठीक है, स्टेट प्रो है तो कब आया स्टेट प्रो, स्टेट प्रो किस कंपनी का है, उसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानो।
न्यू अपकमिंग सॉफ्टवेयर, इसमें जो नए मार्केट में सॉफ्टवेयर्स हैं कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, थोड़ा बहुत आपको पता है तो अच्छा होता है कंपनियों परस्पेक्टिव से, क्योंकि कंपनी देखती है कि आप अवेयर हो चीज़ों को लेकर कि नहीं। ठीक है, पोर्टफोलियो आप सबके पास बनना चाहिए। पोर्टफोलियो नहीं है तो बिलीव करो आपको क्या बोलते हैं, ज़्यादा वहाँ पर वैल्यू नहीं मिलने वाला है। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी एकदम बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी एकदम हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर वो है, क्योंकि कई ढेर सारे लोग लिंक्डइन पर जाते हैं और वो आपको देखते हैं लिंक्डइन पर, हाउ टू अप्लाई इन स्ट्रक्चर्स कंपनीज, स्ट्रक्चर्स के कंपनीज में कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। आज कंपनीज की आपको लिस्ट भी देने वाला हूँ जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद टेलीफोनिक इंटरव्यू की प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, टेस्ट की, कैट टेस्ट जो होता है, कैट टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, मॉक इंटरव्यू मतलब इंटरव्यूज की पूरी पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपके पास। और इन सब को अगर एक साथ पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर पूरा का पूरा पढ़ना है एग्जैक्टली, कि सर ऐसे पूरा लिस्ट कैसे पढ़ूंगा इतना ढेर सारा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, आपको अगर चाहिए तो अपना जो ऑल इन वन है, इसमें ये सारी चीज़ें भर भर के मैंने दिया हुआ है। जस्ट 1 मिनट रुकना, आवाज़ आ रही थोड़ा बाहर से। ऑल इन वन में ये सारा कुछ है, मतलब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया है ये सब कुछ ऑल इन वन के अंदर इंक्लूड है। तो अगर आप चाहते हो तो ऑल इन वन में डायरेक्ट आप स्टडी कर लो एक बार, आपको पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। या फिर आपको मैंने लिस्ट का टॉपिक दे दिया, एक एक करके सारे लिस्ट को तैयार कर डालो। आप बोलोगे सर इतना पढ़ लेंगे बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। हाँ भाई है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग टफ है। आते ही मैंने बोला था, एक लड़के ने बोला था कि अगर लंबा स्टडी नहीं कर सकते हो तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए, सीनियर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर इंजीनियर अप्रॉक्स कितना पैसे अर्न कर सकता है। वैसे सही बताऊं तो स्ट्रक्चर इंजीनियर जितना पैसे कंपनी से कमाता है उससे कहीं ज़्यादा वो बाहर से कमाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर का जिसको काम आ गया उसको बाहर से बहुत डिमांड हो जाता है। बट एक्स्ट्रा कमाना अलग बात है। एवरेज हाईएस्ट सैलरी आप कितना अर्न करते हो इस पर बात करते हैं। तो एक सैलरी का जो पूरा रिसर्च मैंने निकाला, तो रिसर्च में ये है कि 4.2 LPA के आसपास लगभग लगभग सबका होता है। अब लोग सर 4.2, मेरा दोस्त 20,000 में जॉब करता है। करेक्ट, आप सही बोल रहे हो, 20,000 की भी जॉब लगती है। कैसे होता है ये, जॉब का स्लैब कैसे बनता है? जॉब का स्लैब बनता है कंपनी के टर्नओवर पे। किस पे? कंपनी के टर्नओवर पे। कंपनी का टर्नओवर अगर बहुत हाई है तो वहाँ पर आपकी सैलरी जो है बहुत हाई बनेगी। कंपनी का टर्नओवर बहुत कम है तो वहाँ पर बहुत कम बनेगा। अब मान लो कि जैसे मैंने यूनिक सिविल स्टार्ट किया हुआ है, मैं अभी के टाइम पे 50,000 रुपये पर एम्प्लॉय नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। चाहिए मुझे भी स्ट्रक्चर इंजीनियर, बट मैं अभी उसको कितना पे करूँगा, 10, 15, 20, 25, मैक्स मेरा 25 हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो याद रखो, जो सबसे स्मॉल स्केल कंपनी है तो आपको पे आउट कर पाएगी बिल्कुल, दे देंगे जी। वैसे PDF तो पूरा यही टॉपिक ही है, ऐसे डायरेक्ट PDF नहीं है, बट ये टॉपिक्स आपका पूरे हैं। तो कंपनी में अगर आपका स्मॉल स्केल कंपनी है, फर्स्ट पैकेज की बात कर रहा हूँ, बिगनर वाले पैकेज की बात कर रहा हूँ, तो स्मॉल स्केल कंपनी है तो पहला आपका जो पैकेज होगा वो होगा 15,000 से 20,000 के बीच में, अगर स्मॉल स्केल कंपनी है तो। इंटरमीडिएट कंपनी है मतलब कि ठीक है, अच्छी खासी हो गई है, इंडिया में स्टेब्लिश कंपनी है, तो 20 से 25 हज़ार के बीच में आपको पहला पैकेज देगा। और अगर कंपनी MNC है तो 25 से 35 हज़ार का पैकेज आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, फ्रेशर्स स्मॉल स्केल कंपनी में पाएगा कितना पाएगा, स्मॉल स्केल कंपनी में वो पाएगा आपको क्या बोलते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये। और अगर इंटरमीडिएट लेवल कंपनी है तो 20 से 25 हज़ार रुपये। और अगर हाई लेवल की MNC है तो 25 से 35 हज़ार रुपये। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लिस्ट लेके आया हूँ आप सबके लिए, कौन सी कंपनी में कितना पैकेज मिलता है और कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो स्ट्रक्चर्स में काम करती हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट थोड़ी लंबी है तो मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, इसको सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ कि सिर्फ दिल्ली बिल्डकॉन है, GR इंफ्रा है, ठीक है, क्या बोलते हैं, SG इंफ्रा है, इन सब की कंपनियों में आप जाके डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हो, डायरेक्ट इनके यहाँ अप्लाई कर सकते हो,
अब आपको कंपनी का नाम दे दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इसको रिसर्च करना पड़ता है कि कौन कौन से कंपनियां स्ट्रक्चर्स में काम कर रही हैं। तो लगभग ये 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, सबके पैकेजेस भी आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं कि स्टार्टिंग टू एंडिंग लगभग कितने पैकेज किसके यहाँ पर है, आप चेकआउट कर लो और एक एक करके चाहो तो किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका एपिसोड ख़त्म होता है, ठीक है, जिसमें आपको पूरी लिस्ट में दे दूंगा क्योंकि ऐसे पूरा बताना समझदारी नहीं रहेगा, आप इसको जब तक देखोगे नहीं तब तक होगा नहीं, लिस्ट मिल जाएगी। हाँ जी इसकी लिस्ट बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी लिस्ट मैं आपको, ये पूरी पीपीटी दे दूंगा, यहाँ से लिस्ट आप निकाल सकते हो वर्मा जी, ठीक है, तो ये पूरी पीपीटी आपको सबको मिल जाएगी, ठीक है। देख लो कितनी ढेर सारी कंपनियाँ हैं, जो कैब्स है, एलएनटी है, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, ये पूरी स्लाइड मैंने बनाई हुई है, तो आप समझिए कि मैंने कितना इसमें मेहनत किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, मैंने एक एक करके जो बेस्ट कंपनियाँ थी उनकी लिस्ट निकाल दी है आपके लिए। अब आप इनके कंपनी में डायरेक्ट करियर ऑप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर अपना रिज्यूम, अपना क्या बोलते हैं कवर लेटर और क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो भेज दो, देख लो कितनी ढेर सारी हैं, ठीक है। तो ये सब रिसर्च करके मैंने रात भर बनाया आपके लिए, कल सैटरडे मेहनत किया, आज संडे को आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ। तो ये सारी कंपनियाँ का लिस्ट है, ठीक है, पीपीटी मिल जाएगी, मैं बता दूंगा कैसे पीपीटी मिलेगा, डोंट वरी, ग्रुप में मिल जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, मतलब लगभग लगभग मुझे लगता है 200 से ज़्यादा कंपनियों की लिस्ट है, ठीक है, जिस कंपनी का रिव्यू अच्छा था मैंने सिर्फ उन कंपनियों को चूज़ किया हुआ है और उन्हीं कंपनियों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये था एक निचोड़, अब थोड़ा सा मुझे 5 मिनट और देना तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कुछ लोग लेट ज्वाइन किए थे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लगे तो आप मैसेज करना स्टार्ट कर दीजिए अपने क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में हो। मैं थोड़ी सी समरी दे देता हूँ सारी चीज़ों का, ठीक है। समरी ये है कि पहली समरी ये है कि जस्ट याद रखो कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होता क्या है, इसकी प्रोफाइल्स कौन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन सी प्रोफाइल होती है, तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, पूरी लिस्ट आपको दे दिया मैंने, लगभग 60 टॉपिक्स हैं जिनको अगर तैयार कर दिया तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आपको कोई रोक नहीं सकता है। तीसरी चीज़ प्रोफाइल्स के बारे में, किसके बारे में, प्रोफाइल्स के बारे में, कि कौन सी जगह पे क्या क्या ओपनिंग्स में क्या क्या फीस लाइक सैलरी मिल सकती है, अप्रॉक्स सैलरी का रेंज मैंने बता दिया, सैलरी डिपेंड करता है टर्नओवर पे, कंपनी अगर अच्छा टर्नओवर कर रही है तो अच्छा पैकेज देगी, कम टर्नओवर कर रही है तो कम पैकेज देगी, अब डिपेंड कि अच्छा कर रही है कि कम कर रही है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अगर आप जो जो मैंने लिस्ट दिया है ये सब मैक्सिमम एमेंसीज हैं, तो इनके जो पैकेजेस हैं हाई वाले हैं। अब आप छोटे छोटे स्किल में भी जा सकते हो, फिर से बोलूँगा स्मॉल स्केल कंपनी 15 से 20 हज़ार रुपये प्रोवाइड करेगी, उससे बड़ी कंपनी 20 से 25 हज़ार रुपये इंटरमीडिएट वाली, और जो एमएनसी होगी वो 25 से 35 के बीच में प्रोवाइड करेगी, ये सब टू, ये रहा पहला पैकेज। अब जैसे जैसे आपका बड़ी इंडस्ट्री में जाते जाओगे वहाँ पर सैलरी पैकेज आपका बढ़ता चला जाएगा। 200 कंपनियों की लिस्ट दे दिया है, अब आप रिसर्च करिए, उनके यहाँ डायरेक्ट जाइए, रिसर्च करके अप्लाई करिए, ठीक है। अब लेते हैं आपके क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। सर राइट नाउ इंडस्ट्री, राइट नाउ इन विच इंडस्ट्री वी शुड गो, बीम और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बेटर फॉर यू सुभाषिस, या सबके लिए अगर बोलूँ तो बेटर ये है कि आपका इंटरेस्ट देखो, मैथमेटिक्स टर्म में आपका इंटरेस्ट है तो स्ट्रक्चर्स में जाओ, इमेजिनेशन टर्म्स में आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप क्या बोलते हैं बीआईएम में जाओ। ये सीधा सा सिंपल सा आंसर है, और किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, आपके क्वेश्चंस का टाइम आ गया, ठीक है, हमारा टाइम खत्म, अब आपका टाइम है लास्ट, किसी कुछ पूछना है, कोई माइक ऑन करना चाहे माइक भी ऑन कर सकता है। सर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर फ्रीलांसिंग कैसे कर सकता है, और क्या बोलते हैं कैसे क्लाइंट हंटिंग कैसे करना चाहिए, प्रोजेक्ट कैसे मिल सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन जावेद ने पूछा हुआ है, ठीक है, एक मिनट, इन उनका एक क्वेश्चन है आफाक का, हाँ जी बोलिए, फिर इसके बाद आपका जावेद का आंसर देता हूँ। हाँ जी बोलिए, आपका माइक ऑन है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। सर मेरा एक क्वेश्चन पूछना था सर, के मेरे टीचर है वो कहता है कि आपको अगर स्पेशलिस्ट बनना है तो एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर पे कमांड हासिल करना है, जैसे एक बेंटली है और सीएसआई की कंपनी है ना सर, अगर बेंटली में जाना है तो आरसीडीसी है और स्टेट प्रो मतलब है और स्टेट फाउंडेशन है, करेक्ट, एसआई अगर सीएसआई है तो फिर ई टैब्स है और सैप है और सैप है और एक और है सीएसआई ब्रिज है, तो हाँ मतलब सर कौन सा परफेक्ट होगा सर? ओके,
ठीक है, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बताया, गलत नहीं बोल रहे हैं हमने उनको, हम गलत बोल रहे हैं, बट कैसे होता है कि आज के टाइम में तुमको पता होना चाहिए जॉब में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, एग्री? अगर तुमने क्या बोलते हैं ऐसा कर दिया कि मैं सिर्फ बेंडली के सॉफ्टवेयर सीखूंगा, मान ले चलो स्टैट प्रो कर दिया, ठीक है, तो अब तुमने क्या कर दिया, तुमने खुद से ही 50% अपना जो एक तो अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर्स की है, सिविल की अपॉर्चुनिटी, सिविल में स्ट्रक्चर्स इतना हो गया, स्ट्रक्चर्स में भी अगर तुमने ऐसा कर दिया कि केवल मैं बेंटली सीखूंगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, अब तुम्हारे पास केवल 50% कंपनियां बची स्ट्रक्चर्स की, जो क्योंकि जो सी एस आई यूज नहीं कर रही हो तुम वहां अप्लाई नहीं कर सकते हो, और जो सी एस आई कर रही है, अगर मान लो तुमने सी एस आई के सॉफ्टवेयर सीखे तो अब तुम सी एस आई वाली कंपनियों में जा सकते हो, बेंटली वाली कंपनियों में नहीं जा सकते हो, प्रॉब्लम हो गई ना, और दोनों का कॉन्सेप्ट एक है, ठीक है, क्योंकि मैं 7 साल से यूज कर रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि दोनों का ही कॉन्सेप्ट ठीक है, मैं मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जो सर है वो क्या कर रहे हैं, बट मेरा तो काम ही यही है, ठीक है, तो मैं दोनों ही प्रोफाइल को यूज कर रहा हूँ, दोनों ही सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ, और दोनों ही समान है, तो मेरे अकॉर्डिंग लाइक स्टार्ट करना चाहिए आपको क्या बोलते हैं स्टैट प्रो से, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं अगर आपका टाइम बच जाता है, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है तो आपको एटीएप सीखना चाहिए, ये मेरा सजेशन है, ठीक है, क्योंकि हाई रेंज बिल्डिंग्स की जितनी कंपनियां सब ईटैब यूज करती हैं, जो मिड राइज वाली बिल्डिंग है G+10 के अंदर वाली वो ज्यादातर स्टैट यूज करती हैं एज पर माई रिसर्च। अब बोलो, ओके सर, थैंक यू सर, मैं ये सजेशन दूंगा कि दोनों सीखो, बेटर रहेगा, फिर चलेगा। अब इन्होंने बोला सही। ओके, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिप्लोमा वालों को बीम करना चाहिए, स्ट्रक्चर्स में उनको ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जावेद के क्वेश्चंस का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि फ्रीलांसिंग कैसे ले सकते हैं, तो फ्रीलांसिंग लेने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले तो अपने आप को जस्ट डायल पे, ठीक है, और एक क्या ना इंडिया मार्ट पे, दोनों पर रजिस्टर करो सबसे पहला काम, ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत पैसे डालना का एबिलिटी है आपके पास कि हाँ ठीक है बैकअप है सर इतना डाल सकते हैं, 10-15 हज़ार में हो जाएगा, इंडिया मार्ट पे और क्या बोलते हैं जस्ट डायल पर खुद को रजिस्टर करो, बहुत अच्छे से आपको काम आएंगे, आराम से आप काम कर सकते हो। अब बोलोगे सर अभी मैंने स्टार्ट किया मैं कहाँ से पाऊंगा 15 हज़ार रुपये? ओके, आपके आसपास जितने भी आर्किटेक्ट हैं, जितने भी आर्किटेक्ट हैं सबकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट आपको मिल जाएगी जस्ट डायल से, लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के उनके यहाँ पर विजिट करो, और विजिट करके उनको अपना पुराना काम दिखाओ कि सर मैंने ये चीज़ किया हुआ है, चाहे ट्रेनिंग में किया है कहीं पर भी किया है। आपका पहला प्रोजेक्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा जस्ट फॉर शो माई सेल्फ और जस्ट फॉर प्रूफ माई सेल्फ, तो डेफिनेटली जब आप ऐसा बोलते हो तो आर्किटेक्ट बोलेगा यार अपना क्या जा रहा है, चलो फ्री में करवा लेते हैं प्रोजेक्ट। तो जब एक प्रोजेक्ट आपसे करवाता है तो 10 में से सपोज 5 लोगों ने बोला ठीक है फ्री में कर रहे हो हम देंगे तुमको एक प्रोजेक्ट, डेफिनेटली दे देते हैं, आज नहीं तो 1 महीने बाद देंगे, दे दिया तो अब क्या होगा तुम अपने आप को प्रूफ कर दो, प्रूफ कर दिया तो क्या होगा वो आर्किटेक्ट तुम्हारा क्लाइंट हो गया, ऐसे करके जब एक आर्किटेक्ट तुम्हारा अगर 10 में से 1 भी आर्किटेक्ट क्लाइंट बन गया, एक रिफर करेगा दूसरे को, दूसरा रिफर करेगा तीसरे को, तीसरा करेगा चौथे को, तुम्हारे पास चैन आ जाएगी। हमारे पास एक स्टूडेंट है उसके पास उसने ऐसे ही किया मैंने जैसे बताया, आज उसके पास इतना काम है कि वो काम ही नहीं कर पाता है, ठीक है पूरे काम ही नहीं कर पाता है, कुछ काम मुझे देता है बट मेरे भी लिमिटेशन है तो मैं भी सारे नहीं उठा पाता हूँ काम, तो समझ जाओ कि इससे एग्जैक्टली बहुत अच्छे से काम मिलेगा जावेद, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीम के साथ हम स्ट्रक्चर्स ओके कम सीख सकते हैं क्या स्मॉल प्रोजेक्ट्स, सॉरी बीम के साथ कम स्ट्रक्चर्स का भी ओके अच्छा काम, ठीक है बिल्कुल सीख सकते हो, बीम के साथ आप स्ट्रक्चर्स का काम सीख सकते हो अगर आपके पास एक इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज हो गया, तो जैसे आपने बीम कर रहे हो तो बीम का आपको लगता है कि मेरे पास काफ़ी नॉलेज हो चुका है, नाउ गो फॉर बी स्ट्रक्चर्स, कि दोनों को एक साथ सीखने पर मर्ज हो जाएगा और फिर आप अच्छे से उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ये फिक्स है, ठीक है अच्छे से आप उसको सबको नहीं कर पाओगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि प्रैक्टिस में टाइम लगता है उसमें। हाँ जी जावेद बोलो, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लाइसेंस की जरूरत होती है स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स, प्रोसीजर क्या है? ओके, लाइसेंस के लिए आपको क्या बोलते हैं कोशिश करो मैसेज कर दो सभी लोग, क्योंकि माइक कई लोग ऑन कर रहे हैं तो अगर मैं एक एक लोग का करूंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैसेज कर दो मैं आंसर कर रहा हूँ सबका, ठीक है। वजाहत अली बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं सर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लाइसेंस का स्टेप क्या होता है अगर आप छोटी कंपनियों के लिए करना चाहते हो? सिंपल, आप अपने आसपास के जो कॉरपोरेशन है, जैसे कि मैं प्रयागराज से हूँ तो PDA है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वहाँ जाना होता है, वहाँ पर स्ट्रक्चर्स का एक अलग डोमेन होता है जहाँ पर स्ट्रक्चर लाइसेंस बनता है। आप डिग्री किए हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस, और अगर डिप्लोमा मास्टर्स किए हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है वहाँ पर, और उसके बाद वो आपके पास क्या बोलते हैं लाइसेंस के लिए जस्ट एक चालान भरना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, दोनों भर के दे दीजिए, 1 महीने के अंदर आपके घर पर आपका लाइसेंस आ जाएगा, सिंपल प्रोसेस है। प्लानिंग का करना और भी आसान है, प्लानिंग वाले में कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है,
उस सेम प्रोसीजर है प्लानिंग के लिए, 1500 से 2000 रुपये का चालान होता है, कॉरपोरेशन में जाइए, उसको लाइसेंस को रिन्यू भी करना पड़ता है ईएनडी, ठीक है, तो वहाँ से आप बनवा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल मेथड है। आप बोल रहे हैं सर डायफ्रेम इन स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ बता दीजिए, कुछ कुछ आइडिया दो, ठीक है। डायफ्रेम देखो, डायफ्रेम से क्या होता है, डेफिनेटली डायफ्रेम से स्ट्रक्चर सेफ हो जाता है, ठीक है। वैसे तो इसकी पूरी एक अलग इंडस्ट्री है डायफ्रेम की, बट अगर तुम छोटा सा थोड़ा जानना चाहते हो तो इससे क्या हो जाता है कि कंट्रोल में आ जाता है स्ट्रक्चर, क्लोज फॉर्म में आ जाता है डायफ्रेम से, जिससे उस पर डिफ्लेक्शन कम आता है, सीयर पर कंट्रोल होता है, तो ये सारी चीज़ों को उसके बेनिफिट करते हैं उसमें। सर कैन बी डू बोथ बीआईएम स्ट्रक्चर साइड बाई साइड? यस बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक एक करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दोनों को मर्ज करोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है सुभाषिस, ठीक है। अगर आपके पास फुल टाइम है तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो सर बोल रहे हैं कि सर एमई के बाद स्ट्रक्चर्स का लाइसेंस मिलता है क्या विदाउट एक्सपीरियंस? नहीं, विदाउट एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, आपको 3 साल का दिखाना पड़ता है तब मिलता है। सागर बोल रहे हैं कि सर हाउ टू ज्वाइन इंटर्न स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है, हाउ टू ज्वाइन एज अ इंटर्न स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है। एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर इंटर्न ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली मैंने सारी कंपनियों का लिस्ट आपको दिया हुआ है, उन कंपनियों में जाइए। अगर उनके ओपनिंग्स करियर ऑप्शन में जाएंगे उनकी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर अगर इंटर्न की ओपनिंग्स है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो। अभी इंटर्न का एक वाल्टर पी मोरे कंपनी में चल रहा था इंटर्न का, अपना जो जॉब्स गाइड करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है सागर, उस पर इंटर्न की जितनी भी ओपनिंग्स आती रहती हैं मैं देता रहता हूँ, तो आप उसको फॉलो करके रखिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। अभिजीत बोल रहे हैं कि सर आई डिड नॉट हैव इनफ नॉलेज ऑफ बी आई एम, डिड योर कंपनी कंप्लीट माई प्रोजेक्ट इफ गेट आई? यस यस, हमारी कंपनी पूरा का पूरा काम आपको करके दे देगी, अगर आपको बीम का पूरा काम करवाना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। प्लीज़ टेल मी अबाउट द एम टेक इन सेस्मिक इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बता सकता हूँ, सेस्मिक इंजीनियरिंग में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एम टेक सेस्मिक इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई डोमेन करवा रहा होगा, अगर कोई कॉलेज करवा रहा है तो मुझे उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बारे में डेफिनेटली अगर कर लेते हो तो थोड़ा सा डायनेमिक का, FEM फाइनाइट एलिमेंट मेथड का आपको डीप नॉलेज हो जाएगा, तो इज गुड फॉर यू। डू रिसीव द? हाँ बिल्कुल, यस आई रिसीव योर। हाँ बोलो सुभाषिस, बोलो और भी किसी क्वेश्चन से पूछ सकते हो। बीम के काम के लिए लाइसेंस का लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? नहीं, एक्चुअली कैसा होता है बीम के काम में, अगर 300 मीटर स्क्वायर तक का आपका प्लान है तो उसके लिए गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज अ बीटेक इंजीनियर, आप बी इंजीनियर, आप रजिस्टर हो अगर आपने एक लाइसेंस ले लिया प्लानिंग वाला तो। लेकिन 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो फिर आपको क्या बोलते हैं आर्किटेक्ट का लाइसेंस चाहिए। आर्किटेक्ट का अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर आपको एक टाउन प्लानिंग करके 1 ईयर का वन ईयर का क्या बोलते हैं डिप्लोमा टाइप का एक कोर्स होता है, मास्टर टाइप का कोर्स होता है, मास्टर डिप्लोमा बोलते हैं टाउन प्लानिंग में, अगर वो कर लेते हो तो आपका लाइसेंस जो होता है एज अ आर्किटेक्ट और एज अ इंजीनियर दोनों का सेम हो जाता है, ठीक है। टाउन प्लानिंग में 1 साल का पूरा मास्टर डिप्लोमा होता है, उसको कर लिया तो हो जाएगा। हाँ सुभाषिस बोलो। हाँ सर, ये पूछ रहा था कि जैसे अभी मैं स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर करेक्ट, एक्चुअली मुझे मतलब एस्थेटिक्स लुकिंग और मतलब जो एलिवेशन वगैरह आते हैं 3D वगैरह आते हैं उसमें भी इंटरेस्ट है, करेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर से पहले मैं वो सब 3D मॉडलिंग वगैरह पढ़ता था। करेक्ट, तो आफ्टर मतलब ये सब सीखने के बाद कि डिटेलिंग प्लान कैसे देते हैं, कॉलम बीम के प्लान कैसे देते हैं, मतलब डिटेल कैसे देखते हैं, उसके बाद हम बीम ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये देखो एक इंडस्ट्री तुम्हारी क्लियर हो गई ना तो फिर दूसरे इंडस्ट्री में आराम से जा सकते हो, लेकिन दोनों को साथ में लेकर चलोगे ना तो तुमने देखा होगा, तुम तो गुरुकुल में ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो तुमने देखा होगा कि प्रैक्टिस की कितनी जरूरत पड़ती है। वही वही, कम से कम 5 घंटे लगते हैं एक के लिए, एक दिन का। क्या बोलते हैं अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कहीं कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, नहीं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आफ्टर कंप्लीशन यू कैन डू दिस इज विल बी गुड। तो जॉब में कैसा स्कोप है, मतलब अगर हमको स्ट्रक्चर भी आता है और बीम का भी नॉलेज है? उसको ज्यादा सैलरी मिलती है। एक लड़का है अपने अरे पास, भाई साहब, ठीक है, वो अपने गुरुकुल में ही है, तो अभी वो ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर्स में काम कर रहा था, क्या बोलते हैं वो अभी नहीं सॉरी बीम में काम कर रहा था, अभी वो उसने स्ट्रक्चर्स की ट्रेनिंग मेरे से ले रहा है, तो अभी ऑलरेडी उसकी सैलरी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो उसकी सैलरी लगभग 60,000 रुपये है, ठीक है। और अभी वो जब सीख लेगा पूरा स्ट्रक्चर्स तो उसकी सैलरी और हाइक मिल जाएगी, उसको मिलता है। अच्छा, तो कर सकते हैं ना आपके हिसाब से? उसके देखो सीधी सीधी बात है कि आप कंप्लीट, अभी जैसे मैंने स्ट्रक्चर्स और बीम दोनों में काम किया हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली आज के टाइम में अगर मैं कहीं पे भी जॉब ज्वाइन करूंगा तो मिनिमम मुझे 1.5 लाख 2 लाख के आसपास मिलेगा मिनिमम। हाँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों प्रोफाइल का मिक्स काम देखूंगा ना, तो 1.5 लाख के हाँ आसपास तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मेरी लास्ट सैलरी 60,000 रुपये थी, तो
तो अगर अभी ज्वाइन करूंगा तो अच्छा डेफिनेटली मोर देन डेट। मुझे 80 का ऑफर था, मतलब 80,000 का ऑफर था, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे अपना काम करना था। तो मतलब कुल मिला के दोनों अच्छा करते हो तो सर, बेटर रहेगा। थैंक यू सर। और सर बोल रहा था कि ये जो IS कोड का जो लिस्ट होता है, मतलब किसका IS कोड कितना है, उसका एक PDF भेज देना ग्रुप हाँ, में। मेरे पास एक है पूरा सेट ही IAS कोड का, मैं दे दूंगा, हाँ पूरा हो थोड़ा, जाएगा, ठीक है, हाँ चलेगा। ओके सर। चलो, इन्होंने बोला करंट वैकेंसीज बता दो सर महाराष्ट्र में। ओके, करंट वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो अभी क्या बोलते हैं, पहली बात तो जो लिस्ट दिया है इसमें से काफ़ी कंपनियाँ पुणे महाराष्ट्र की भी है, बट अगर करंट वैकेंसी की बात करूँ स्ट्रक्चर्स में, तो एक DBA स्ट्रक्चर्स में ओपनिंग चल रही है। वर्मा जी आपका माइक ऑन है, ठीक है, DBA स्ट्रक्चर्स में ओपनिंग चल रही है, एक प्रेसिजन प्रीकास्ट में जी सर, ओपनिंग गुड चल रही मॉर्निंग। है, एक वाल्टर पी मोरियम चल रहा है। गुड मॉर्निंग अभिजीत, कुछ क्लियर हुआ क्या स्ट्रक्चर्स के बारे में अभिजीत? यस सर, कुछ क्लियर हुआ है स्ट्रक्चर्स के बारे में PPTs को देख के, कुछ आइडिया लगा? ये सर बहुत क्लियर हो गया, बहुत क्लियर, बहुत सारा डाउट सर आपने क्लियर कर दिया। सर एक डाउट मेरे को अभी था करंटली, कि जैसे अपन सबमिशन ड्राइंग देते ऑटोकैड में, तो वैसा के वैसे अगर मैंने स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग वगैरह एनालिसिस सब कर लिया, तो उसके सबमिशन के लिए क्या मुझे टेक्ला सीखना पड़ेगा नहीं, या ऐसा रिवेट नहीं है। स्ट्रक्चर? टिकला उस कंपनी को लगता है जिसको 3D डिटेलिंग की जरूरत है, ठीक है, जैसे होता है 2D डिटेलिंग देते हो ऑटोकैड में ना, लेकिन अभी कैसे हो रहा है कि टाइम एडवांस हो रहा है, तो कुछ कंपनियां चाह रही हैं कि 3D डिटेलिंग दो हमको, ठीक है। जैसे कि सुना होगा कंपनी है कैसेक करके, एक कंपनी है नीलसॉफ्ट, तो ये लोग क्या करती है 3D डिटेलिंग भी देते हैं। तो जो कंपनियां 3D डिटेलिंग देती हैं उनको टेक्ला सीखना चाहिए, ठीक है, उनको रेवी स्ट्रक्चर सीखना चाहिए, या फिर एक और सॉफ्टवेयर एडवांस डील। 3D डिटेलिंग के तीन सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, एक है टेक्ला स्ट्रक्चर जो सबसे बेस्ट है, दूसरा है एडवांस डील, तीसरा है रेवी स्ट्रक्चर, तीनों का काम एक ही है। तो अगर आप 2D में दे रहे हो तो फिर जरूरत नहीं है इनकी, 2D में दे रहे हो तो आप आराम से ऑटो कैड के अंदर दे सकते हो, या फिर कंपनीज में जाओगे तो एक RC कैड करके प्लगइन होता है, तो वो प्लगइन ऑटो कैड के अंदर इनबिल्ड रहेगा, जस्ट उसके अंदर वैल्यू डालोगे अपने आप ड्रॉ करके दे देगा, ठीक है, सिर्फ डाटा डालना है, क्रिएट करके दे देगा आपको। RC कैड होता है, एक ऑटो रिवार करके भी प्लगइन होता है, तो कंपनियां ये प्लगइन्स को यूज करती हैं, लगभग लाख रुपए का ये प्लगइन आता है, तो जस्ट वहां से आप डिटेलिंग कर सकते हो। वहां से भी नहीं करना चाहते हो तो RCDC की डिटेलिंग आती है, उसको थोड़ा बहुत डाटा को एडिट करके RCDC की भी डिटेलिंग को सबमिट कर सकते हो। तो 2D डिटेलिंग में कई ऑप्शन है, 3D डिटेलिंग में भी कई ऑप्शन है, कुल मिला के रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। सर जैसे मेरे प्रोफाइल पे अगर मैं डालूंगा हाँ, टेक्ला या रेविट स्ट्रक्चर, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू पर? क्या बोलते हैं, अगर दोनों एक साथ डाल रहे हो तो डेफिनेटली देखो कैसा होता है कि मैक्सिमम तुम्हारा काम क्या होगा कि देखो डिटेलर पूरी एक अलग प्रोफाइल होती है और स्ट्रक्चर से पूरी अलग प्रोफाइल होती है, ठीक है। कभी भी जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है बहुत रेयर होगा कि वो डिटेलिंग करेगा, ठीक है। तो ओके जो तुम्हारी हाँ तुमने जो डिजाइन कर दिया, डिटेलिंग करने के लिए मैक्सिमम टाइम पे एक टीम होती है जो कि पूरी पूरी डिटेलिंग करती है, ठीक है। अगर आप MNC में जाते हो तो MNC में इसके लिए 5 से 6 लोग होते हैं टोटल, एक सेंटर लाइन निकालेगा, ठीक है, एक कॉलम का लेआउट प्रोवाइड करेगा, एक एनालिसिस करेगा, एक डिजाइन करेगा, एक डिटेलिंग करेगा, डिटेलिंग जो करेगा उसको ये जरूरत पड़ेगी, और डिटेलिंग करने के बाद एक बंदा होगा जो कि रीबार चेकर होगा, ठीक है, वो चेक करेगा कि जो डिजाइन का डाटा है और जो डिटेलिंग का डाटा है दोनों मैच कर रहा है कि नहीं AST के अकॉर्डिंग। अगर मैच नहीं कर रहा है तो रिवर्ट करेगा, आप फिर से डिजाइन करोगे, फिर से जाएगा फाइनल, तब उसके बाद जाके फाइनल मैनेजर चेक करता है, फिर सबमिट होती है ड्राइंग। तो अगर आपने यस डाला हुआ है तो बेनिफिट ये होगा कि मान लो कि उस कंपनी में स्टेट प्रो की ओपनिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन टेक्ला की अभी करेंट ओपनिंग है, उसने तुमको हायर कर लिया, ठीक है, कल यस को जब उसके यहाँ पे स्टेट प्रो की रिक्वायरमेंट हुई तो डेफिनेटली बोलेगा यार इसको आता तो है, इसी को लगा देते हैं, क्यों नया एम्प्लॉय हायर करना, पैसा बच रहा है, ठीक है। यस सर तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर का बस यही स्कोप होता है। जब मैंने बोला कि स्टेट और ETF दोनों अलग अलग क्यों सीखना जबकि दोनों का काम एक ही है, तो इसलिए सीखना क्योंकि अगर आज मेरी कंपनी में स्टेट प्रो है, ठीक है, फिर स्टेट प्रो पर प्रोजेक्ट आया हुआ है तो भी तुम मेरे यूज में आ रहे हो, ETF पे प्रोजेक्ट आया तभी तुम मेरे यूज में आ रहे हो, तो मल्टी यूज वाले ही तो चलते हैं ना, यस सर ठीक है। अगर हम कुक हैं और हमको सिर्फ नॉनवेज बनाना आता है, कल तुम्हारा वेज खाने का मन गया तब गड़बड़ हो गया, दोनों दोनों यस आया तो सर बढ़िया है ना, यस ठीक सर है, तो ये बेनिफिट होता है। गुड मॉर्निंग आकाश जावी, ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन अभी और ले लेता हूँ जावेद का, इसके बाद मोहित ऑन कर रहे हैं माइक, ठीक है, पहले जावेद का। हाँ जावेद बोलो। यस विजय मैं शेयर कर दूंगा, जावेद बताइए आपका माइक ऑन है। हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, जैसे आपने PDF फाइल किस पे शेयर किया आपने? हाँ
ग्रुप में शेयर ये करूंगा मार्जर क्लास के मल्टी बाद, कंपनी है जी। ग्रुप में शेयर करूंगा क्लास के बाद। अच्छा, हाँ ओके ओके सर। अच्छा क्वेश्चन और जैसे है मुझे कुछ? इंटर्नशिप करना था स्ट्रक्चर में, तो हाँ सर कौन हाँ से कौन सी कंपनी मतलब फिर से इंटर्नशिप के रिपीट, लिए, कौन सी कंपनी सर है? नहीं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं ऐसा? सर, जैसे इंटर्नशिप अभी करना था स्ट्रक्चर में, तो कौन सी कंपनी है? ये मैंने 200 कंपनी को लिस्ट दिया ना, ये सारी 200 कंपनियां स्ट्रक्चर्स में ही काम करती हैं, उन्हीं की लिस्ट दिया मैंने। नहीं सर, इंटर्नशिप इंटर्नशिप अच्छा इंटर्नशिप। अच्छा इंटर्नशिप देखो मतलब किस यस। कंपनी में कब निकल रही है इसका कुछ पता नहीं रहता है, जब तक लोगों को आइडिया नहीं रहता है। ठीक है, तो ये कंपनी अभी जो अभी करंट में निकल रही है वाल्टर पिमोरे में निकली हुई है, मैंने परसों देखी थी ओपनिंग्स, और अपना एक बच्चा वहां पर सेलेक्ट भी हो गया है। ठीक है, तो क्या वो जैसे कि ये निकलता रहता है अलग अलग कंपनी में, तो वो तुमको जॉब्स गाइड करके अपना एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उस पर अपडेट रहना पड़ेगा तुमको, तो जहाँ जहाँ पर आ रही है तुम वहाँ से पता कर सकते हो, क्योंकि टाइम टू टाइम जिस कंपनी में इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी निकालती रहती है। ठीक है, तो ये वाल्टर पिमोरे क्या करती है, 20,000 रुपये इंटर्नशिप के लिए आपको पे आउट भी करती है, फ्री में इंटर्नशिप नहीं देते, वो खुद ही आपको पैसे देंगे वो। ओके सर, ठीक एक है, और सवाल था सर, हाँ जी तो बताइए। जैसे कॉलम बीम और ये स्लैब का जो हम डिफ्लेक्शन चेक करते हैं ई टाइप में, वो हम मैनुअल से मैच कराना चाहते हैं कि करेक्ट, वो मैनुअल से मैच हो रहा है एग्जैक्ट है कि नहीं, तो सर हाँ उसका अगर आपके पास वीडियो क्लिप हो सर तो उसको शेयर कर दीजिए ई टाइप के साथ, ओके, लेट कोई मी शॉर्ट चेक। हाँ अगर उसका कुछ कॉलम है, का। एक्चुअली कैसे होगा कि गुरुकुल में जरूर हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं ऐसे इंडिविजुअल अगर होगा तो मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, अगर रहेगा तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, अच्छा सर ये एक लास्ट क्वेश्चन नहीं सर, बोलो बोलो। सर जैसे कि आपने बताया कि कोई आपके जानने वाले उनके पास वर्क ज्यादा है, तो अगर वो जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे हैं, वर्क अपना जो भी कर रहे हैं, तो अगर उनके पास ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क है तो हमको शेयर कर दें, तो फिर बहुत कम पैसे में हम उनको वर्क करके हम दे सकते हैं। करेक्ट है, वही। अब देखो इसके लिए कैसे हो रहा है ब्रदर, कैसे जैसे तुम हो, ठीक है, अब एक्चुअली मैं वो फैंक क्या बोलते, होता क्या है कि मेरे पास सुबह से शाम तक मतलब कम से कम 10-15 लोग इस चीज के लिए बोलेंगे ना, लेकिन हम किसको रीड कर रहे हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है ना। ठीक है, जिसके यस जिसके जैसे तुमने तुमने ये ऑफर दिया अभी, ठीक है, तुम्हारा ऑफर ये मेरे लिए काफी यूजफुल हो सकता है, क्यों, 80,000 का प्रोजेक्ट अगर तुम मेरा 30,000 में कर रहे हो, 50,000 तो मेरे बीच बच रहे हैं ना मेरे। ठीक है, तो ये जैसे तुमने मुझसे यस कॉन्टेक्ट किया है ऐसे ही तुम्हें चैन बनाना पड़ेगा कॉन्टेक्ट का। ठीक है, अभी उस समय जैसे मुझे इस समय आज मेरे पास कोई कोई प्रोजेक्ट आया, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, जावेद ने बोला था उसको ट्राई करते हैं, तो तुम्हें एक ऐसा कोटेशन अपना तैयार करना पड़ेगा कि मैं ये काम करता हूँ, जिसको पोर्टफोलियो के फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद अपना ऑफर तुम्हें देना पड़ेगा कि आई कैन हेल्प यू इन दैट। अब डेफिनेटली वो मेरे पास अगर रखा हुआ है, मुझे जब भी जरूरत पड़ी मैंने जावेद को कॉन्टेक्ट कर लिया, तो इस तरीके से कम 100 लोगों को ऑफर देना पड़ेगा। 100 लोगों में से सोचो कि 10 लोग सोचेंगे और 10 में से 2 से 3 लोग तुमको काम देंगे। ओके ठीक है, तो ये प्लान करो कि एग्जैक्टली और हमको किसको किसको पकड़ना है। हाँ बोलो। सर ये सर वीडियो थोड़ा उसको सर्च करके सर सर शेयर करिएगा सर, डिफ्लेक्शन का जो हमने पूछा आपसे। चलेगा चलेगा, मैं ट्राई करूंगा ब्रदर, कैसे होता है हमारे पास भी लिमिटेड टाइम, तुमको पता है कैसा शेड्यूल होता है। ठीक है, अभी 12 बजे से फिक्स दूसरा शेड्यूल है, ठीक है, तो 12 बजे तक का ही मेरे पास टाइम है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, चलेगा। थैंक हाँ यू। मोहित बोलो। पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूँ घोष का। घोष ने बोला हुआ है कि सर आई हैव क्वेश्चंस भीम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्ला स्ट्रक्चर्स एंड टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर, दो शायद यही बोले हो ना, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर। तो टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर और टेक्ला स्ट्रक्चर्स में एकदम एकदम से अलग ही डिफरेंस है। जो टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर है वो काम करता है जस्ट लाइक ए स्टैट प्रो, वो एनालिसिस और डिजाइन का काम करता है, और जिस मैं टेक्ला स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ वो केवल और केवल डिटेलिंग करने का काम करता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में एकदम अलग जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर डिजाइन करके दे दिया है स्टैट प्रो के तरफ पे, अब डिटेलिंग करने के लिए तुमको टेक्ला स्ट्रक्चर्स को यूज करना पड़ेगा, तो दोनों अलग है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इन्होंने बोला है कि स्टैट प्रो और आरसी और रेविट दोनों जानता हूँ, दोनों अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो दोनों अप्लाई। आकाश गुड मॉर्निंग, मोबाइल आर नॉट गेटिंग एक्सेस, ओके मोबाइल नंबर फॉर गेटिंग, ओके मैं दे देता हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है, और मैं लेट हो गया हूँ सर, कोई बात, कंपनी का लिस्ट मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। इन्होंने बोला है कि एलएनटी में मोस्टली कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डिपेंड करता है, मैट 3D भी करते हैं, स्टैटप्रो भी करते हैं। ठीक है, वो किस तरह का काम है उसके हिसाब से। थैंक यू फॉर वेबिनार, थैंक यू सो मच, आई डिड नॉट आस्क दैट सर। ओके, फिर यू कैन रिपीट दैट, व्हाट इज MBS सॉफ्टवेयर? MBS सॉफ्टवेयर स्टील का एक सॉफ्टवेयर होता है, MBS कनेक्शंस वगैरह के लिए यूज करते हैं। आकाश हाँ मोहित बोलो। हाँ
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरे को जानना था अगर रैबिट स्ट्रक्चर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जैसे ग्रुप, हाँ और तो रैबिट स्ट्रक्चर क्या टेक्ला को रिप्लेस कर सकता है, मतलब उसके जगह पर क्योंकि 3D डिजाइन तो लोग रैबिट रिप्लेस नहीं बोल स्ट्रक्चर में भी सकते कर हो, सकते हैं। रिप्लेस नहीं बोल सकते हो, इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक है आपकी क्या बोलते हैं स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर, और दूसरी है आपकी क्या बोलते हैं R15 आती है ना शायद वहाँ की, R15, ठीक है, एक है स्प्लेंडर एक है R15, यही दोनों में डिफरेंस है, तो रिप्लेस हाँ तो नहीं हो कौन सकते। स्प्लेंडर है कौन R15 है? रेवी स्ट्रक्चर जो है स्प्लेंडर है और टेक्ला जो है वो R15 है। सर तो 3D डिटेलिंग तो लोग स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं, रेविट स्ट्रक्चर में बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, मैंने बताया ना तो कि उसमें दोनों थोड़ा में, ज्यादा मेहनत जैसे कि अभी देखो तुम तो अभी ऑलरेडी सीख रहे हो स्टेड और ईटैब, इन दोनों का भी यही है। कॉम्बिनेशन यस है, ठीक है, तो मेरे घर पे एक बाइक है उसकी हीरो होंडा लीवो, लीवो पता है तुमको, लीवो, तो एक लीवो है, तो स्प्लेंडर जो है हीरो होंडा वो साइन जैसे होंडा साइन की तरह है, तो होंडा साइन की जैसे है, तो वो क्या है वो एक तरीके से स्टेड प्रो है, ठीक है, और एक मेरी अब मेरी जो मैं चलाता हूँ बाइक है मेटोर करके एक है, तो उसका पावर अलग है, तो मेटोर का जो पावर है वो डेफिनेटली ईटैब के बराबर है, तो कुछ इस तरीके से डिफरेंस है दोनों में। सर जो DP में लगाए हुए हैं हाँ डीपी, वो डीपी वाला जो लगाया है वो मैंने अपने पैसे से खरीदी है, और जो साइन है वो पिताजी के पैसे की है। तो सर टेक्ला ऑटोमेटिक देता है 3D या उसमें भी अलग से करना पड़ता है, जैसे स्ट्रक्चर में 3D डिटेलिंग करना होता है? 3D मतलब कैसे, नहीं समझा, फिर से थोड़ा बताना। थ्री डी डिटेलिंग कैसे बार लगाना है कैसे, हाँ तो उसमें वो बस थ्री जस्ट डी बार के नंबर्स डाल दो ऑटोमेटिक ले लेता है वो, जस्ट बीम के अच्छा ऊपर ये क्लिक, अंतर है। हाँ एक दो मेरे वीडियोस यूट्यूब पे रखे हुए हैं, लगे तो देख लेना एक बार, जस्ट बीम के ऊपर क्लिक करो अपने आप रेनफोर्समेंट लग जाएगा, डबल क्लिक करो बता दो कि कितने उनके कितने चाहिए, खत्म। अच्छा उसका सर कोर्स है क्या हाँ या टेक्ला फिर स्ट्रक्चर्स लॉन्च का करने कोर्स है वाले ना, हैं? उसका पूरा कंप्लीट, टेक्ला स्ट्रक्चर्स का 35 घंटे का है, 35 या 40 घंटे का है टेक्ला स्ट्रक्चर्स। 40 घंटे का। हाँ अच्छा उसको भी सर अगर अलग से हो सके तो कोर्स स्टार्ट कीजिएगा ना, वो भी सीखना है। अभी नेक्स्ट प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसके रिलेटेड वो करूँगा 2023 में, मतलब जनवरी महीने से स्टार्ट करूँगा, अभी अपना बैच चल रहा है, फिर मुझे थोड़े से बीच में कुछ काम हाँ है, ठीक है, उसको करने के यस बाद यस सर, जनवरी तो फिर से, हम लोग को भी थोड़ा जॉब के लिए हाँ भटकना है इसलिए जब जॉब हो जाए तब सीखो, क्योंकि कैसे है कि देखो मैं इसीलिए क्या बोलता हूँ, कोशिश देखो कोशिश करता हूँ कि मैं कितनी कम फी प्रोवाइड कर पाऊँ ना, तो कम उस फी तब तुम एफोर्ड कर यस पाओगे जब तुम्हारे पास जॉब होगी, ठीक है, मैंने कभी किसी को नहीं सीखा कि तुमने बीम सीखा है तो स्ट्रक्चर भी सीखो, क्यों, बेचारे के पास एक चीज़ का बर्डन है, पहले उसको तो एफोर्ड कर लेना, फिर जॉब लग जाए तो डेफिनेटली सीखो। अभी देखो अभी आकाश यहाँ पर, आकाश डालवी है अपना, तुम्हारा सीनियर है वो, अब उसकी जॉब लग गई 30-35 थाउजेंड पाएगा, अब वो सीखे तो चलता है, समझ गया, वैसे तो फिलहाल तो हम 3D ये रेविट स्ट्रक्चर से भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे वो हम सकते हो। आपका वीडियो देखे वो है रेविट वाले में जो थोड़ा हाँ जाकर कितना पार लगा रहे थे हाँ वो होगा, बहुत पुराना वीडियो होगा मुझे लगता ये है, तो वो देखे थे। अच्छा जब से मैंने टेक्ला स्ट्रक्चर्स पे अपनी कमांड बनाई ना, मुझे टेक्ला स्ट्रक्चर ज्यादा मजा आता है, ये फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो हम आपका वो वीडियो देखे थे, रेविट स्ट्रक्चर और रेविट डिटेलिंग दोनों अलग अलग मतलब वो वाला देखे थे, वही हाँ शायद आप फील्ड में बता रहे थे हो सकता है, मुझे याद तो नहीं है बट होगा जरूर ऐसा कुछ, तो यस अपना सर कोई ठीक स्क्रिप्ट है तो सर रहता नहीं है कि ये ठीक है तो सर माइंड में रटे हुए, जो मन में आया एक्चुअली में हाँ जो यस फैक्ट होता है वही बता देते हैं, हाँ जी सर चलेगा। चलो मैं ओके सर क्वेश्चन थैंक ऑनलाइन यू ले सर लेता हूँ, हाँ ठीक है, हर्षल, हाँ हर्षल बोलो, हर्षल के बाद दो तीन क्वेश्चन कमेंट वाला लेता हूँ। SDS2, अच्छा वो SDO2 सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो तुम घोष, ठीक है, SDO2 और टेक्ला दोनों ही एक ही, मतलब कि दोनों ही का सॉफ्टवेयर का काम 3D डिटेलिंग का है, ठीक है, SDO2 भी कुछ कंपनियां यूज करती है, कुछ कंपनियां टेक्ला भी यूज करती है, वो समझ गया, अभी तुम्हारा क्वेश्चन समझा मैं, ठीक है, मैंने सोचा है SDS टेक्ला स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, अच्छा उसको TSD TS समथिंग कुछ बोलते हैं, MBA सॉफ्टवेयर बता दिया, इजी होता है, बहुत ईजी होता है आकाश, गोस्वामी बोल रहे हैं कि सर एमटेक सेस्मिक डिज़ाइन एंड अर्थक्वेक डिज़ाइन में किया आगे MNC में जाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिट रहेगा, टेक्ला सॉरी एमटेक अर्थक्वेक में भी कर सकते हो, सेस्मिक में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SDS2 ने बता दिया मैंने, सुभाषिस बोल रहे हैं कि सर तब तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स खत्म भी हो गया, हाँ जी खत्म हो गया, स्पेशली स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स का 3D का कोर्स लाए, बिल्कुल बहुत जल्दी लाऊंगा, ठीक है, मतलब वही बताया ना जनवरी में प्लान है मेरा सर, ईटैब और टेक्ला स्ट्रक्चर डिज़ाइन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि कंपनी का नाम बदल गया है, ठीक है, एंड रिजल्ट एस्पेक्ट, ठीक है, ईटैब में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है, ईटैब में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है एज़ कम्पेयर टू टेक्ला स्ट्रक्चर डिज़ाइनर,
दोनों अलग है याद रखना, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर और टेक्ला स्ट्रक्चर्स। तो मैं टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर की बात कर रहा हूँ। टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर में एक तो अभी कंपनियां कम काम कर रही हैं, दूसरी चीज क्या है कि टेक्ला स्ट्रक्चर जो डिजाइनर सॉफ्टवेयर है वो क्या बोलते हैं, मार्केट के हिसाब से भी सेट नहीं बैठ रहा है। इसलिए आपने देखा नहीं होगा कि टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर की ज्यादा ओपनिंग हो। टेक्ला स्ट्रक्चर्स की देखा होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, टेक्ला स्ट्रक्चर्स की देखा होगा, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर की बहुत कम ओपनिंग देखा होगा। मेरे अकॉर्डिंग टेक्ला ज्यादा अच्छा है घोष, ठीक है। कुछ कंपनियां रिएक्ट टू यूज करती है क्योंकि थोड़ा सा सस्ता आता है वो। ये बैच कब स्टार्ट हो रही है बहुत जल्दी बता दूंगा आपका, अभी बैच का प्लानिंग नहीं किया है। हाँ घोष हेलो। हाँ सर, कह रहे हैं सिस्मिक डिजाइन एंड अर्थक्विक इंजीनियरिंग सर एक ब्रांच है सर, इसमें मैंने एमटेक किया हुआ है। क्या सर? कौन सी यूनिवर्सिटी करा रहे हैं? हेलो, कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है? मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सर, गोरखपुर वाला। हाँ गोरखपुर वाला सर। अच्छा, दो ही जगह है सर, एक मदन मोहन मालवीय पे है और एक क्या नाम है आईआईटी रूड की करवाती है। अच्छा अच्छा है ना। वहाँ की मैंने कर लिया सर। तो जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर को मिलता है सर, वैसे हम लोग को भी फायदा मिलेगा ना उसमें? स्ट्रक्चर इंजीनियर? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। तुम तो क्या, तुमने अर्थक्वेक डिजाइनिंग सीखा हुआ है तो वो तो सेस्मिक का ही, वो इसका स्ट्रक्चर्स का ही पार्ट है, तो दोनों में सेम ही हाँ प्रॉफिट ठीक, है। ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल अच्छा है। ठीक है सर हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियर लिख सकते हैं ना सर? बिल्कुल, अरे क्यों नहीं लिख सकते हो, स्ट्रक्चर इंजीनियर तो बीटेक वाला भी लिख सकता है अगर वो स्ट्रक्चर्स का काम कर रहा है तो। ठीक है, ओके अभी मेरे एक स्टूडेंट है, ठीक है, अभी शायद उसने ज्वाइन किया कि नहीं, निधि करके है, तो बीटेक ही है और वो हैदराबाद में एक कंपनी में लगी हुई है, सैलरी भी उसकी अच्छी है और क्या बोलते, उसका पॉडकास्ट भी लाने वाले हैं, तो वो भी बीटेक इंजीनियर है बट स्ट्रक्चर का काम करी थी इसलिए वो स्ट्रक्चर इंजीनियर हो गई। ओके सर, ठीक है चलेगा। थैंक यू सर। हाँ हर्षल बोलो। वर्क फ्रॉम होम के लिए बीआईएम थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है पार्थ, अगर ऑफिस बनाना चाहते हो खुद का तो स्ट्रक्चर्स अच्छा हो सकता है, अगर वर्क फ्रॉम होम घर से बैठ कर। हर्षल बोलो, माइक ऑन है तुम्हारा। नहीं, वो कंपनियां वर्क फ्रॉम होम नहीं देंगी वर्मा जी, वो कंपनियां पूरी ब्रांडेड कंपनियां हैं जिनकी मैंने लिस्ट दी हुई है, उनमें आपको जा। हर्षल आपका माइक ऑन है, आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो कंपनियां ब्रांडेड कंपनियां हैं, कोशिश करो कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, वो कंपनियां ब्रांडेड कंपनियां हैं तो वो वर्क फ्रॉम होम नहीं प्रोवाइड करती हैं, उनमें आपको खुद से वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हो, जॉब करना पड़ेगा। छोटी छोटी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम देती है ज़्यादातर। अब लोग सर कोविड के टाइम पे, यस कोविड के टाइम पे हर एक कंपनी दे रही थी बट अभी बहुत कम कंपनियां दे रही है, ठीक है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में उतना रिजल्ट नहीं निकलता है एज कम्पेयर टू जब आप ऑफिस में रहते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे भी इम्प्लॉई वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं बट मैं देखता हूँ ना कि उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हाँ मोहित बोलो, और किसी किसी क्वेश्चन छूटा होगा तो बता देना भाई, दिल में मत ले लेना कि अरे सर ने मेरा क्वेश्चन ही नहीं देखा, इग्नोर कर रहे हैं मुझे। हाँ मोहित बोलो। सर कह रहे हैं कि अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हाँ और दूसरे कंपनी में इंटरव्यू अब देना है और जाने में असमर्थ है, करेक्ट, तो ऑनलाइन हो सकता है इंटरव्यू बिल्कुल अगर बिल्कुल। हम, अभी जो मैंने इसका एग्जांपल दिया नहीं थी का, इसका भी ऑनलाइन ही हुआ, ठीक है, आकाश यहाँ पर अभी तुम्हारे बैच में ही है, इसका भी ऑनलाइन ही हुआ, बैंगलोर की कंपनियों का ऑनलाइन इंटरव्यू आप दे सकते हो। क्या बैच चाहिए मुझे? यस सर, बोलिए बोलिए। हाँ दोनों में दे सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज अ फ्रेशर कम कंसिडर करते हैं ऑनलाइन के लिए, जो एक्सपीरियंस है उनको वो बता देते हैं कि भाई आपको ज़रूरत है तो ऑनलाइन कर लो, ठीक है, ज़रूरत नहीं है तो फिर ऑनलाइन मत करो। मैं चंडीगढ़ में पहले जॉब करता था, पुणे की कंपनियों ने मुझे ऑनलाइन ही मेरा इंटरव्यू हुआ, दिल्ली कंपनी में मैं खुद गया था क्योंकि वो पास था। ठीक है, ठीक है, ओके सर, चलेगा। यस सर। हर्षल आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है सर, प्लीज मेक यूट्यूब इन लाइडर इंजीनियरिंग। आवाज आ रहा है? हाँ जी आवाज आ रही है, क्या किया ऐसा हाँ क्या? सर, सर ये अरे हमेशा सर मैं क्या बोलता, सर मैं अभी पीएमसी प्रोजेक्ट लेता हूँ, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर कंट्रोल तो यहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्टर नवी मुंबई में, तो हाँ क्या शेड से काम लेते, ऑफिस से काम लेते, तो मैं एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर में हूँ तो मुझे बाकी का नॉलेज आता है, हाँ लेकिन स्ट्रक्चर के लिए मुझे कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में से वो अप्रूव करना पड़ता है ड्रॉइंग, हाँ वो 20% 10% ले लेते होंगे। मैं पढ़ रहा हूँ हाँ लेकिन अभी जब तक मेरा लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक मैं उसके लिए ड्राइंग अप्लाई नहीं कर सकता ना गवर्नमेंट कॉलेज में। नहीं, अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज में अप्रूवल ले रहे हो तो कॉलेज वाले ही तुम्हारा करके दे देंगे, वो तुमसे 10% या नहीं, ट्वेंटी लेकिन
कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है, वो डिजाइन करते हैं पूरा, उसके बाद में मैं वो कंसल्टेंट उसका साइंस स्टैंप लगा के मेल कर देता है विजेटिया कॉलेज नहीं तो पुणे गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके बाद में वो अप्रूव करते हैं। तो अभी तक मेरा लाइसेंस आया हुआ नहीं है सर स्ट्रक्चरल का। ओके तो तुम कंसल्टेंट हायर कर रहे हो ना, तो तुम कंसल्टेंट तो हायर कर रहे हो ना, तो जब तुम कंसल्टेंट हायर कर रहे हो तो कंसल्टेंट के पास तो लाइसेंस रहेगा ना। मैं वही पूछ रहा हूँ, लेकिन सर उसके लाइसेंस कंपलसरी लगता है क्या? हाँ, अगर तुम खुद कंसल्टेंट हो तो तुम्हारा लगेगा, जैसे कि अभी तुम अगर मान लो तुम्हारा लाइसेंस आ गया तो तुम दूसरों को प्रोजेक्ट क्यों दोगे, तुम खुद ही स्ट्रक्चर्स का प्रोजेक्ट करके दे दो, ठीक है? तो तुम अपना प्रोजेक्ट लेके तुम कॉलेज में दे सकते हो डायरेक्ट, ठीक है? अदरवाइज तुम चाहो तो फिर कॉलेज में भी होता है ऐसा, कैसे होता है कि क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर एमएनआईटी है, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि डेफिनेटली अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, आप अथॉरिटी को दे सकते हो कि भाई आप इसके लिए इंसेंटिव अपना ले सकते हो, ठीक है, और आप प्रोजेक्ट अपना स्टैंप लगा के दे सकते हो प्रोजेक्ट को, ठीक है? तो हम लोग करवाते हैं, जैसे कि किसी स्टेट का आपका नहीं है, ठीक है, तो अभी एक प्रोजेक्ट था हम लोग का वहाँ पर साउथ में था, एक कॉलेज का था कुछ प्रोजेक्ट था, तो वहाँ की एनआईटी से करवाया गया था, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से वहीं के लाइसेंस से करवा के उन्हीं के स्टैंप करवा के 20% उनको शेयर करके दे दिया, ऐसा भी कर सकते हो। ओके सर, आप सर आप करते हो क्या सर? हाँ जी हाँ जी, कहाँ का है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरा लाइसेंस जो है वो पीडीए का है, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, ठीक है? लेकिन मुझे तुम कहीं का भी दोगे तो हम करवा देंगे दोबारा। कैसे होता है कि हमारे पास कई लोग हैं, जैसे कि एक लड़का है हमारा जो काम करता है वो एमपी का है, तो उसके पास वहाँ का लाइसेंस है, तो ऐसे हमारे पास लड़कों का पूरा सेट है, तुमको जहाँ का चाहिए वहाँ का हम करवा देंगे, डेफिनेटली वो चार्ज रहेगा उसका, ठीक है? तो चार्जेस रहते हैं सर, लेकिन कैसे वो कंसल्टेंट रहते हैं ना, हाँ। मैं उनको कुछ डाउट पूछता हूँ, क्योंकि हाँ। मैं पहले पूरा स्ट्रक्चर और ड्राइंग मैं बना के देता हूँ, वो सिर्फ उसमें कुछ मैनिपुलेशन करते हैं अप्रूवल के लिए, करेक्ट, और लेकिन वो बताते नहीं मुझे कि मैंने ये चेंजेस करके दिया हुआ है, क्योंकि उनका रोजी रोटी पे तुम लात मारोगे। नहीं ना सर, मुझे भी जैसे सीखेंगे वैसे ही सर डाउट, जैसे अभी तो मुझे दो साल एक साल भी नहीं हुआ है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या होता है उन लोगों को ऐसा लगता है कि इफ आई टीच यू तो मेरा काम कम हो सकता है, ठीक है? और इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेन करते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो डेफिनेटली शायद ये रीजन होगा, ठीक है, अपनी इतनी छोटी मेंटेलिटी नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं भी समझाता नहीं हूँ, क्योंकि समझाने का फिर अलग चार्ज लग जाता है, भाई सीधे सीधे टाइम का चार्ज। हाँ सर, हाँ सर, तो लोग करते हैं कुछ, मेरी जो छोटी मेरी जो टीम है, अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो लगभग मैं 5,000 to 6,000 के आसपास पर आ लूंगा, तो डेफिनेटली वो चार्ज थोड़ा कॉस्टली रहता है। हाँ सर, हाँ सर, तो इन्होंने बोला सर पूरे इंडिया का नहीं मिलता है लाइसेंस, ठीक मिलता है आईएससी का पूरा लाइसेंस बनवा सकते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया का, मेरे को बनवाना है, बहुत जल्दी मैं बनवा के कम्प्लीट कर देता हूँ। सर 6 inches वॉल मिनिमम कॉलम साइज ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो, 6 inches वॉल आराम से ले सकते हो। इसने बोला है कि वीडियो में लाइडर इंजीनियर का जॉब और उसके, बिल्कुल बहुत जल्दी लेके आऊँगा सर, मैं लिख के रखता हूँ तुम्हारा क्वेश्चंस, अच्छा है, ठीक है? तो एक अभी आप लोग को एक काम दूंगा, ठीक है, छोटा सा काम रहेगा आपके लिए कि आप लोग कमेंट करना, क्या बोलते हैं अपना जो चैट बॉक्स है इसका ऐप में, उसमें जस्ट कमेंट करना कि व्हाट आर द टॉपिक्स यू वांट द वीडियो ऑन दैट, ठीक है? कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आप वीडियो चाहते हो, ठीक है? तो मैं कमेंट करूंगा वहां पर डाल देना सभी लोग, तो मैं क्या करूंगा उनको एक लिस्ट बना लूंगा और उसके बाद एक एक करके उस पर वीडियोस प्रोड्यूस कर दूंगा आपके लिए, तो मेरा भी आसान काम हो जाएगा, आपका भी आसान काम हो जाएगा। तो ग्रुप के अंदर ही करना है, 2 लगते हैं 3 लगते हैं 4 लगते हैं जो भी आपको लगते हैं कि सर इस पर कुछ वीडियो होना चाहिए, तो मैं आपको अभी जस्ट चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, देना, वहीं पर पीपीटी आ रहा है। इसी के साथ समाप्त करते हैं इस सेशन को, मजा आया होगा, होप आपको कुछ नया मिला होगा, नेक्स्ट सेशन फिर से लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और उस पर थोड़ा अलग एंगल होगा, वो होगा पीवी इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है? तो पीवी इंडस्ट्री बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा, जितने अभी यहाँ मत डालो कि यहाँ पे मैं भूल जाऊंगा, सच्चाई ये है, देखो कैसे होता है कि चैट बॉक्स हो बंद हो गया तो मेरे पास दूसरे काम में लग जाऊंगा, तो उधर चैट बॉक्स में रहेगा ना तो मुझे लिखा रहेगा मेरे पास, ठीक है, चलेगा। चलो ठीक है, जिसको भी क्वेश्चंस रहेगा बस ग्रुप में डाल देना, मैं ग्रुप में बताऊंगा कहाँ डालना है, तो जस्ट वहाँ पर बता देना तो मैं सब ही पकड़ दूँ, यहाँ पर कमेंट मत करो, यहाँ पर कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलो थैंक यू सो मच, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने संडे का टाइम दिया इसके लिए, थैंक यू सो मच। चलो और जल्दी ही पीवी इंडस्ट्री पर एक सेशन लेके आ रहा हूँ, वो भी बड़ी एक अलग इंडस्ट्री है, उसके बारे में बताऊंगा। चलो ओके।